रहा कैसा रहा हेलो बच्चा लोग हेलो एवरीवन सी फाउंडेशन दिसंबर 23 पहला पड़ाव हो चुका है जल्दी 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 से बता दीजिए कैसा रहा पेपर कैसा रहा बहुत सारे बच्चे मुझे मिले बहुत सारों के मैसेजेस कॉल्स आ चुके हैं तो मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आए जल्दी से यूट्यूब पे लाइव सारे बच्चे हैं बता दीजिए कैसा रहा आपका पेपर अकाउंट्स के पेपर में अरे अरे मार्जिन न्यूज अरे कुछ टेंशन ना लो आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेरीज एंड येस बिफोर वी स्टार्ट विथ द लॉ जल्दी 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 बता दो कैसा रहा पेपर कैसा रहा पेपर कैसा रहा पेपर अकाउंट्स का पहला पेपर जिसका आपको एकदम इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था इतना ज्यादा डर था सुबह की धक धक तो मैं सुन ही सकती थी मतलब मुझे भी चैन नहीं था आज तो कितने सारे बच्चे लोग को यू you नो know, पेपर की पहले की एंगजाइटी पेपर के पहले का टेंशन दोस्तों ने जो डराया होगा मम्मी पापा ने ऐसा बोला होगा टेंशन न ले जितना आता उतना करना यू you नो know, डबल माइंडसेट बहुत सारी चीज़ों से आप निकल चुके हैं एन यस 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 सारे बच्चे लोग जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो अकाउंट्स का पेपर चलो वेरी नाइस आई एम गेटिंग आंसर ओके अच्छा गया 80 प्लस वेरी नाइस चलो जल्दी से बेटा पाँच मिनट आई विल टेक योर फाइव टू सेवन मिनट्स जल्दी से अकाउंट्स के पेपर में जैसा भी गया हो आई एम वेरी श्योर सबका अच्छा गया होगा मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मॉड्यूल मैंने अच्छे से किया था तो मेरा कवर हो गया पास पेपर किए थे तो कवर हो गया बट येस yes, कुछ बच्चों ने बोला अच्छा नहीं गया है मैम मेरा पेपर छूट गया मैम मेरा दस मक का छूट गया बारह मक का छूट गया मैम पार्टनरशिप टैली नहीं हुआ डोंट वरी रियली आई एम टेलिंग यू डोंट वरी अभी जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ पेपर वन कम्प्लीट हो चुका है आप अब जाके कोई भी चेंज नहीं कर सकने वाले हो सो लेट इट बी गाइज अभी आपका पूरा का पूरा फोकस आपके फेवरेट पेपर यानी कि पेपर टू लॉ बी पे होना चाहिए लॉ बी पे पूरा फोकस आई नो जैसे ही आपका ये पेपर टू कंप्लीट हो जाएगा आप हाफ वे थ्रू इतना टेंशन रिलीज हो जाएगा इतना टेंशन रिलीज हो जाएगा यू वॉन्ट बिलीव एंड येस अब जो आप जो फीलिंग फील कर रहे हो ऑलरेडी एक पड़ाव पार कर चुके हो पहला पेपर दे चुके हो यू नो द प्रोटोकॉल आप कितने मिनट पहले पहुँचे कुछ लोग एन मोमेंट पे पहुँचे प्लीज डोंट रिपीट दैट मिस्टेक ऑन टाइम बिफोर टाइम पहुँच जाओ एंड यस yes, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो लास्ट अटेम्प्ट का ये आखिरी अटेम्प्ट का ये आपका भी आखिरी अटेम्प्ट हो इसी तरीके से हमें तैयारी की है और उस तैयारी पे भरोसा रखना है एंड मोमेंट पे कुछ भी नया नहीं करना है कुछ भी ओ माई गॉड सो मुझे देखो आंसर्स आ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स टेली हो गया एन पी ओ हो गया वेरी गुड तन रिया पेपर वॉज गुड वेरी नाइस रिया वेरी नाइस मार्जिन नहीं किया बेटा इट्स ओके अगर लेकिन एकदम एंड टू एंड एज टू एज मत लिखो मार्जिन नहीं किया इट्स फाइन लेकिन पेपर की एज तक मत लिखो क्योंकि पेपर को कैरी करने में या कुछ भी डैमेज ना हो उसी के लिए सेफ्टी कंसर्न पे हमें एकदम एज पे नहीं लिखना है दात सेट उतना ही ध्यान रखना है पेपर पे क्वेश्चन पेपर पर आपको कुछ नहीं बट आंसर पेपर पे प्रॉपरली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नंबर लिखने हैं ये पैनिक में या एंजाइटी में जल्दी जल्दी में वो मत बोलना कि क्वेश्चन नंबरिंग अच्छे से करना क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छे से आपने किया ही होगा एंड बहुत सारे बच्चों ने बाहर आके पेपर डिस्कस किए हो गए डिस्कस करने के बाद आपका माइंड सेट शिफ्ट हुआ होगा ज़रा भी टेंशन ना लो इतों सभी टेंशन नहीं लेना है येस yes, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है अकाउंट्स हो चुका अब हमारा पूरा तैयारी करना है हमें पूरा 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 फोकस लॉ एंड एंड्रेचुलेट डन रियली चलिए जल्दी से जो कितने लोग का पहला पेपर थोड़ा रिलीफ हो गए थोड़ा सा रिलीफ हो गया जल्दी से से आए से आए जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो गया कमान जल्दी आए पहला पेपर का एंग्जाइटी बहुत ज्यादा ही होता है कुछ है ना ओके okay, में फुल शेयर मार्क्स वेरी गुड माइ ओके okay, जल्दी 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 बेटा मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है लेकिन क्विकली एनर्जी एनर्जी के साथ आई नो एग्जाम देके घर पे आ चुके हो और अपने फ्रेश माइंड से फ्रेश हो के अभी पढ़ना है तो जो भी आपने मम्मम करना है जो भी आपको पेट पूजा करनी है जो एग्जाम से पहले नहीं की थी कर लो और मुझे बता दो कैसा आपका अगर टेंशन रिलीज हुआ है तो जल्दी से हम स्टार्ट कर सके लो ओके 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 फैंटास्टिक फैंटास्टिक चलिए अब अब अकाउंट्स के पेपर की एंगजाइटी खत्म हो चुकी है लेकिन बेटा इस एंगजाइटी का इस एंगजाइटी का असर पेपर टू पे नहीं आना चाहिए आई यू प्रोमिसिंग मी दैट कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश चलो मेरे साथ जल्दी से टेक डीप एक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी 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 कम एवरी वन एवरी वन एवरी वन एवरी वन शुरुआत अच्छी हो चुकी है शुरुआत बहुत जोरदार हो चुकी है एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है सबका सबका जल्दी से एकदम मस्त फ्रेश सबका हाथ अपने दिल पे एकदम अच्छे से दिल पे हाथ रखिए एंड आपकी ब्रेथ पे फोकस कीजिए जल्दी बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बता रही हो अभी आपकी ब्रेथ पे फोकस कीजिए आपकी धड़कन को काम डाउन कीजिए रिलैक्स एकदम रिलैक्स वो एक कांस्टेंट रिलैक्सेशन के साथ आपकी ब्रेथ और आपकी धड़कन हो जाए उसके बाद उसके बाद उसके बाद, उसके बाद जस्ट मुंह पे एकदम अच्छा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हैंडसम सा स्माइल आ जाना चाहिए प्रोफेशनल एग्जाम का पहले पड़ाव का पहला एग्जाम हमने दे दिया है एंड अब आपका सबसे नया सब्जेक्ट जिसकी हम तैयारी करने वाले हैं एक छोटा सा एक छोटा सा छोटा सा मैनिफेस्टेशन जैसे ही आपने अकाउंट्स का पेपर लिख लिया है इमेजिन कीजिए इमेजिन कीजिए आपने लॉ का भी इसी तरीके से अच्छे से पेपर लिख लिया है आपका पेपर हाथ लिखते लिखते हाथ दर्द कर गए लेकिन यू मेड इट आपको एग्जाम में आई है आपने जो भी क्वेश्चन इग्नो सारोल्व किए थे वही क्वेश्चन आने वाले सो so, ये सारी तैयारी के साथ एकदम रिलैक्स बिगे माइंड फुल कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट पॉस्चर में बैठो लेटर लेटर नहीं पढ़ना है एकदम कॉन्फिडेंट पोस्चर के साथ येस यस 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 बेटा हाँ हाँ हर्ष डोंट वरी डोंट वरी डोंट पैनिक कोई टेंशन ना लो मार्जिन यूज़ नहीं किया है तो भी कोई टेंशन ना लो ओके चलिए फर्स्ट पेज पे टिक नहीं किया क्वेश्चन मार्क डोंट वरी लेकिन अपने आंसर शीट पे आपने क्वेश्चन लिखा है ना बराबर से कल्पना आंसर शीट पे लिखा है नोके okay. कोई बात नहीं ज़्यादा कट कर ओके ओके okay, okay. आपने कट बहुत किए बेटा अभी ध्यान रखना आप बहुत कैंसिलेशन ना करो चलिए कोई नहीं बिफोर वी बेगेन बिफोर वी बेगेन जस्ट अ स्मॉल कन्वर्सेशन जस्ट अ स्मॉल कन्वर्सेशन अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया है तो उड़ना भी नहीं है बहुत ज्यादा उड़ना भी नहीं है हमारे पास अभी एक ही दिन है आज की शाम आज की शाम थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट की ब्यूटीफुल शाम आज हम आपके साथ हैं बेटा इस थर्टी फर्स्ट की शाम को हम अपना सबसे बड़ा सबसे प्यारा सबसे अच्छे सब्जेक्ट को हम इनकाउंटर कर लेंगे यस yes. आज हम लॉ और बीसीआर को इतना स्ट्रैटेजाइज कर लेंगे कि कल का सुबह कल की जो 2024 की मॉर्निंग है इस मॉर्निंग में हम कॉन्फिडेंटली लॉ की केस स्टडीज रिविजन कर रहे होंगे प्रोविजन रिवाइज़ कर रहे होंगे बीसीआर के चैप्टर्स बीसीआर के राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट देख रहे होंगे एंड प्रॉपर प्रॉपर कुछ भी छूट ना जाए वैसे क्या प्रिपेयर करना है कितने घंटे क्या पढ़ना है वो अभी सब कुछ बी सी uh, का और लॉ का दोनों का दोनों अभी विश्वनाथ सर बताने वाले हैं लेकिन बेटा प्लीज़ 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 मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी प्लान कर रहे हैं अभी थर्टी फर्स्ट के शाम से पहले अभी लेक्चर अटेंड कर लो और रात को पार्टी करेंगे प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक एक छोटी सी पार्टी बेटा आपको रिग्रेट करवा सकती प्लीज़ डोंट रिपीट थर्टी फर्स्ट के ही दिन पार्टी करना ऐसा नहीं है बेटा एग्जाम का खत्म होने पर न्यू ईयर में पार्टी कर लेना बेटा आपका ईको बी का पेपर खत्म कर लो और शाम कोई नहीं रोकेगा बेटा पार्टी करने को और जो दोस्त आपके साथ आपकी खुशियों में साथ है उन्हीं दोस्तों के साथ पार्टी करना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे आज की शाम वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होंगे चलिए मस्त तो अभी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते बेटा जितना भी अटैम्प किया आपने जितना भी अटैम्प किया सेवेंटी मार्क्स का किया एट्टी मार्क्स का किया या छूट गया जस्ट चौकेट सब कुछ जाने दो जाने दो बस अभी हो गया अच्छा गया है तो सर पे मत आने दो और बुरा गया तो दिल पे मत आने दो आई रिपीट अच्छा गया है तो सर पे मत आने दो और बुरा गया तो दिल पे मत लगने दो क्योंकि अभी हमारी जर्नी में बहुत सारे दाव बाकी हैं जरा भी टेंशन ना लो वी आर गोइंग अहेड विद सुपर सुपर तैयारी चलिए क्या आप सब मस्त रिलैक्स होकर तैयार हो, हो नाश्ता वास्ता कर लिया ऐसे आए से आई सब लॉ की बुक लेके बैठ चुके हो से आई एवरी आप तैयार हो लॉ की शुरुआत करने के लिए चलो 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 कुछ भी अकाउंट में भूल चुके फ्रेश शुरुआत, फ्रेश शुरुआत. टीचर्स एक्साइटेड है अभी तो आज तो आपके लिए सब सब ने सारे टीचर ने थर्टी फर्स्ट का प्लान सब कैंसिल कर दिया आपके लिए सिर्फ आपके लिए आपके पेरेंट्स से भी कोई पार्टी प्लान नहीं किया है आपके दोस्त भी आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो एंड यस 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 कोई दिक्कत नहीं प्रियंका बस आगे बढ़ते जाते हैं एंड एंड विद द काउंट डाउन विद कैन आई कॉल विश्वनाथ सर से यस से यस पूछ लो बेटा जो पूछना है जितना पूछना है पूछ लो जान खाजावा सर की सर सर मेरे को बोलना चाहिए मैडम क्या बोल दिया आपने लेकिन ट्रस्ट मी आप मुझे थैंक यू बोलेंगे एंड आई एम वेटिंग फॉर यू आई एम वेटिंग फॉर यू ट्रस्ट मी जितने क्वेश्चन है जल्दी से रेडी करो जल्दी से इन दिस फाइव मिनट्स क्वेश्चन रेडी करो आपके सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन पहले बीसीआर अटेंड करना कि पहले लॉ अटेंड करना मैम सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना क्वेश्चन रेडी रखो रेडी रखो बिकॉज अब मैं बुलाने जा रही हूँ विश्वनाथ सर बिफोर बिफोर आई गो बिफोर आई गो ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी I really, really, really विश यू अ वेरी गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर इन दिस जनरल जर्नी बिकॉज लॉ एग्जाम पहली बार देने जा रही हो Yes बेटा ये सारी चीज़ें हो जाएगी सारी चीज़ें हो जाएगी ओके चलिए सो ओम बेटा टेंशन ना लो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपने डाले हैं है, वो मैं उसके आंसर्स देके जल्दी से विश्वनाथ सर को बुलाऊंगी uh, अकाउंट के पेपर का सोल्यूशन इन अ वीक और मोस्टली दो दो वीक में आ जाता है लेकिन अभी हमें कुछ भी कंपैरिजन नहीं करना है कोई दोस्त को फ़ोन नहीं करना है तेरा कैसा गया इसका क्या आंसर आया उसका कोई ज़रूरत नहीं है जो गया वो गया अब जो हाथ में है उसके ऊपर फोकस करो एन आई रिपीट अच्छा गया है तो सर पे मत चढ़ने दो और बुरा गया है तो दिल पे मत लगने दो क्योंकि अभी फ्रेश शुरुआत है न्यू पेपर है ओके okay. सप्लीमेंट पे ओके वन प्लस जीरो वन लिखा हुआ है बेटा टेंशन ना लो सप्लीमेंट पे हमने लिखा है नेक्स्ट सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखो आपने अनलेस एंड टिल आपने क्वेश्चन मार्किंग प्रॉपर किया है मतलब आपने क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखा है यू विल गेट द मार्क्स यू विल गेट द मार्क्स चलिए विद दिस विद दिस आई एम अच्छा अकाउंट्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जाने तो अब लॉ पे फोकस करो एंड दिस पेपर 1 के अच्छी सक्सेस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू गाइस वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी पहली प्रोफेशनल एग्जाम मेरे बच्चों की पहली प्रोफेशनल एग्जाम मेरे दोस्तों की पहली प्रोफेशनल एग्जाम सो हैप्पी फॉर यू गाइज वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज एंड विद दिस एनर्जी विद दिस कॉन्फिडेंस अब लॉ के पेपर में तो हम ढूंढ मचा देंगे बेटा चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हियर आई कॉल विश्वनाथ सर विश्वनाथ सर विश्वनाथ सर प्रकट हो जाएंगे अभी विश्वनाथ सर बेटा बिल्कुल एक भी मिनट छोड़ना मत विश्वनाथ सर की बहुत बहुत परेशान कर देना जितने क्वेश्चन है पूछ लेना बेटा सर मेरे को फोन करके बोल रहे चाहिए मैडम क्या कर दिया आपने लेकिन कसम है एडनोइड की हर एक टीचर की विश्वनाथ सर भी आपको उस उस हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार है बेटा क्योंकि हम हम सब एक मिशन पे है पासिंग परसेंटेज बढ़ाना है और आप सबको ड्रीम स्कोर पे लेके जाना है चलो जल्दी से जल्दी से विश्वनाथ सर हाँ जी गुड इवनिंग आवाज़ आ रही है मेरी प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दो एक बार इफ़ आई एम ऑडिबल प्रॉपरली एक बार मुझे मैसेज कर दो थम्स अप कर दो तो मुझे पता चले कि हाँ आ, सब आ गए हैं सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है मैं प्रॉपर्ली दिख रहा हूँ मेरा थोपड़ा दिख रहा है प्लीज लेट मी नो फटाक से ओके गुड इवनिंग मैसेज चालू हो गए हैं बहुत सारे नाइस आ, जैनिल हाय रिया गुड इवनिंग रिदम हाय हिनी गुड इवनिंग कनिष्का हेलो प्रथम गुड इवनिंग तनिषा यस कल्पना गुड इवनिंग ऋषभ गुड इवनिंग प्रथम का मैसेज आ गया ये सर ऑडिबल चलो बढ़िया ऋषभ ऑल क्लियर सर चलो परफेक्ट परफेक्ट ऑडिबल 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 ख्याति मैम ने अच्छा खासा मोटिवेशन दे दिया है जो वो बहुत अच्छे से करते हैं मुझसे तो सौ गुना ज्यादा अच्छे से करते हैं वो तो आई थिंक uh, मेरे को और मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है उनकी जो बेस्ट बात मुझे लगी जो ख्याति मैम ने बताई आप लोगों को दैट वॉज बेसिकली जो हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो इरिस्पेक्टिव आपका पेपर अच्छा गया

<coughs> सुमित मैं बढ़िया हूं थैंक यू सो मच सुनो बात करते हैं वी आर अराउंड 160 जितने कुछ ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे डाउट्स आना स्टार्ट भी हो गए uh, भैरवी का मैसेज है सर uh, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट आई गेस लास्ट क्लास में समझाया था प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इट बेसिकली मीन्स पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज होते हैं वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं आउटसाइडर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कै नॉट सू दैट इज प्रिविटी टू तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सर केस स्टडी क्वेश्चन में हमारे ऊपर हेडिंग लिखना है या जैसा प्रोविजन कंक्लूजन जैनल आप लिखो तो अच्छा है जैसे आई वुड सजेस्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए फैक्ट ऑफ द केस दे रेलिवेंट प्रोविजन लास्ट में कंक्लूजन बट अगर आप रेलिवेंट प्रोविजन ऊपर रिखते हो एंड फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन या केस नीचे लिखते हो तो भी इट्स फाइन कंक्लूजन लास्ट में आना चाहिए ठीक है तर में का मैसेज है क्वांटम मेरियट आई थिंक तर डिस्कस किया था वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं आप uh, खाना खाने बाहर गए ठीक है आपने दो चीजें ऑर्डर करी आपने पिज्जा ऑर्डर करा आपने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी पिज्जा आ गया आपने खा लिया गार्लिक ब्रेड जो थी वो आने से पहले आपको वहां से फटाक से कहीं एग्जिट करके बाहर जाना पड़ा था तो दैट डज नॉट मीन कि आप पैसा नहीं दोगे ना गार्लिक ब्रेड का ना पिज्जा का आपको पिज्जा का पैसा देना पड़ेगा हा? हां ठीक है आपने गार्लिक ब्रेड नहीं खाई उसका पैसा मत देना तो जितना आपने यूज किया कंज्यूम किया उसका आपको पैसा देना पड़ेगा दैट इज क्वांटम मेरिट तन मई आई होप आई एम वेरी क्लियर विजय आई आम गुड थैंक यू आकाश हाई प्लीज बताओ ना सर रूल्स अबाउट एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर ठीक है सेक्शन थर्टी थ्री एंड ऑनवर्ड्स अपन कर लेंगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर चल पहले वही कर, कर लेंगे बस हाँ प्रदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मेरा प्लान है मेरा वही uh, मुझे स्टार्ट करना है सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है सर सुर भी आपको जितने सेक्शन याद हो सकते हैं उतने मैक्सिमम है करो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दी थी पार्टनरशिप और एल के अंदर ठीक है तो आई होप आपने वो लेक्चर मेरा देखा होगा सर मार्जिन सीन बता दो ना मोहित कौन सा मार्जिन सीन जनरली ऐसा होता है आप मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिखता आपको मार्जिन के राइट हैंड साइड लिखना होता है अगर आपने अकाउंट्स में लिख दिया इट इज ओके इट इज फाइन बट ध्यान रखना कि आपसे ऐसा ना हो ठीक है आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता मार्क्स नहीं करते उसके इट्स अबाउट इंप्रेशन ठीक है श्रवण का मैसेज है सर बोथ डॉक्टर इन अपने पास दो नहीं है डॉक्टर तीन है

तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा तो आपको भी थोड़ा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा कि नहीं यार पढ़ लेते हैं सर कुछ पढ़ा रहे हैं उसको सुन लेते हैं ठीक है मे बी मूड नहीं है मूड ऑफ है मूड बहुत अच्छा है डजेंट मैटर मैं आपको उसे बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा टूअर् तो स्टडीज आज और कल का दिन स्पेशली ठीक है दोनों दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर मैं मेरा थर्टी का प्लान कैंसिल कर सकता हूँ तो आपका तो एग्जाम है यार ठीक है सो बी थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और प्लीज सुनते रहें मैं कुछ बोल रहा हूँ ठीक है मैं बॉक्स नहीं पढ़ पाऊंगा बॉक्स नीचे लैपटॉप में देख रहा हूँ यहाँ पे ठीक है मैं मेरे घर पे भी नहीं हूं मैं बाहर आया हूं पर मैंने फिर भी लेक्चर लिया ठीक है स्टार्ट करते हैं फ्राक से सुनना कुछ दस से पंद्रह मिनट में बात करूंगा विथ रिगार्ड्स टू तो बी ठीक है चैक करना बंद कर दो ठीक है दो मिनट सुन लो मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं आपके सारे मैसेज पढ़ूंगा बट जस्ट गिव मी टेन मिनट्स मैं कुछ बोल रहा हूँ उस टाइम पे आप टाइप करोगे तो आप मिस आउट हो जाएगा सुनना बी सी की बात कर रहे हैं लेआउट आपके सामने स्ट्रक्चर आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़े उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि सर मैं फ्राक से बोल देता हूँ ठीक है कि सर क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स विल बी फ्रॉम पेपर लॉ क्वेश्चन नंबर सेवन ऑनवर्ड्स विल बी बी तो मैं बी की आई के पहले बात करूँ बिकॉज मुझे दस से पंद्रह मिनट लगेंगे बी के बारे में बताने में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलिवेंट है सुनना ध्यान से मैं दस मिनट में आपको बिना पढ़ाए दो तीन मार्क आपके ऐसे ही बढ़ा दूंगा ठीक है सर सुनना मुझे सर क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स लॉ का होता है क्वेश्चन नंबर सेवन ऑनवर्ड्स इट इज बी जिसमें क्वेश्चन नंबर सेवन इज अ कंपलसरी क्वेश्चन जिसके दो पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे मैं आपके सामने थोड़ा जूम कर देता हूँ मी अ सेकेंड ठीक है

एंड पार्ट सी हमेशा होगा आपका फॉर्मेट बेस्ड उसमें आपका प्रेसिड राइटिंग आ गया लेटर आ गया रेज्यूम आ गया मिनट्स आ गया आ, एजेंडा आ गया सब कुछ आ गया ठीक है रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल राइटिंग सब पार्ट सी में आएगा एट नाइन टेन इलेवन का पार्ट सी विल भी फॉर्मेट बेस्ड जिसमें आपको कोई भी तीन अटेंड करने होते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन इलेवन चार क्वेश्चन है आपको कोई भी तीन अटेंड करने हैं ठीक है ये एकदम बेसिक सी बात होगी जो आई थिंक मेजोरिटी बच्चों को पता होगी अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इफेक्टिव इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आपकी जगह होता देख कॉम्पिटिशन पैसेज की बहुत प्रैक्टिस हो नहीं सकती आप एक आध क्वेश्चन देख लो कोई पास पेपर्स आरटीपी में से बस बहुत हो गया प्रैक्टिस की जरूरत है आपको नोट मेकिंग एंड समरी की वो पक्का पक पांच मार्क का आने ही वाला है मैं आपको तीन चैप्टर बताऊंगा सुनो मैं बहुत ध्यान से सुनना नोट मेकिंग एंड समरी इस हंड्रेड परसेंट शॉर्ट शॉर्ट पांच मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाला है तो बीसीआर जब मैं स्टार्ट करूंगा कभी भी आज या कल जब भी आपका प्लानिंग हो लेक्चर के बाद या कल जब भी आराम से

तो चैप्टर नंबर वन इज अ प्रायोरिटी चैप्टर नंबर फाइव इज अ प्रायोरिटी एक आखिरी भी सुन लो ऐसा नोटिस करा गया है पिछले पांच छह से क्वेश्चन नंबर का सी हमेशा प्रेसी राइटिंग आता है प्रेसी राइटिंग इज योर चैप्टर नंबर तो वो भी एग्जाम में आने, तो uh, आने वाला है तो इट इज सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लो कि ऑब्वियस क्वेश्चन है आने वाला है विच इज चैप्टर नंबर सेवन तो चैप्टर नंबर वन छ मार्क्स चैप्टर नंबर फाइव पांच मार्क्स एंड चैप्टर नंबर सेवन

तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान रखना बहुत मैं आपको एकदम इफेक्टिव बात बता रहा हूं जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा ठीक है तो कल कल जब भी आप बीसीआई स्टार्ट करो आज रात को कल मैं आपको उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ऑब्वियसली आपके पास ये चार चैप्टर फोकस में होने चाहिए ठीक है लास्ट टाइम बोलो मेकिंग समरी प्रेसी राइटिंग चैप्टर नंबर वन कम्युनिकेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रेस का एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ठीक है थोड़ा सा और बता दो बीसीआर के बारे में पांच मिनट और

आपका एक एक क्वेश्चन कम कम से करके कर कर ठीक है सारे क्वेश्चन uh, तो, तो ट्राई करना कम से कम एक आर्टिकल राइटिंग आपने कराओ कम से कम एक रिपोर्ट राइटिंग लेटर आपने, कम कम आपने लिखाओ ठीक है जो मेरे बच्चे हमने तो क्लास में सर तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए स्टॉप वर्च चालू करके तो मेरे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा और ऑलरेडी कॉन्फिडेंट भी होंगे बीसीआर के अंदर जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा टू मी ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि सर एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप लिख के जरूर करना आर्टिकल रिपोर्ट और लेटर का ठीक है थोड़ा तो सा नीचे आते हैं हर चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं प्लीज ध्यान से सुनना बिना कुछ पढ़ाए आपके मैं दो तीन मार्क ऐसे ही दूंगा ठीक है फोकस आई कैन सी हर चैप्टर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है चैप्टर नंबर वन कम्युनिकेशन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज सर यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम मोस्टली ऐसा होता ही है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है विद रिगार्ड्स टू नेटवर्क्स आपने सुना होगा ना नेटवर्क स्टार नेटवर्क चेन नेटवर्क व्हील एंड स्पोक नेटवर्क वर्टिकल नेटवर्क आपने सुना होगा नाम इनके क्वेश्चन जनरली आई जाते हैं तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज आपको एग्जाम में उसका डायग्राम बनाकर आना है इन केस यू हैपन टू ड्रॉ डायग्राम इन द एग्जाम योर पेपर विल स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर्स इन द ग्रुप तो अगर आपका सौ पेपर में से आपका ए, ए, एक अकेले पेपर के अंदर अगर वो डायग्राम बना हुआ है ठीक है नेटवर्क का तो आपका पेपर हटके दिखेगा और जैसे आपका पेपर हटके दिखा यू विल ऑटोमेटिकली बी फैचिंग मोर मार्क्स ठीक है साइकोलॉजिकली यू हैव टोल्ड दैट सी मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर कर, कर आया हूं तो आपको डायग्राम बनाना है चैप्टर नंबर वन के अंदर अगर क्वेश्चन uh, आता है फ्रॉम नेटवर्क वाला क्वेश्चन इजी प्लीज गिव मे थम्स अप इतना समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको हर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिससे आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे ठीक है मेरे पढ़ाने के स्टार्ट करने से पहले आर वी क्लियर विद दिस प्लीज गिव मी थम्स अप दक्ष जैन मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं हमारे पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमने आपको ब्लॉक कर दिया दक्ष ओके अदर्स प्लीज लेट मी नो आर वी क्लियर विद दिस मच प्लीज गिव मी थम्स अप जल्दी से तो मैं आपको और चैप्टर्स का बताता रहता हूँ फिर आर वी क्लियर विद दिस ओके थम्स अप में यार मेरे पास प्रथम uh, मधुरा तनिषा Uh, सरकार काजल uh, कल्पना ओके okay. uh, समीर जल्दी 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 गिव घूमे थम्स अप फास्ट इतना समझ में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रत्युष त्रिपाठी ओके अराउंड टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी मैसेजेस ऑलरेडी थम्स अप वाले uh, रिदम जैन ठीक है ठीक है ठीक है आगे बात करते हैं लेट मी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूं विच इज चैप्टर नंबर फोर ठीक है अगेन एक बहुत अच्छी बात जो आपका टाइम बचाएगा एंड मेरे बिना पढ़ाए आपके दो तीन मार्क्स बढ़ जाएंगे सर कैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आई थिंक मेजोरिटी को ये ट्रिक ऑलरेडी पता है जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोलना बोलना चाहता हूं कि सर आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का ए आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने फिर आपने पैसेज पढ़ना है अगेन टेल यू आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने फिर पैसेज पढ़ना है अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा और फिर क्वेश्चन पढ़ा तो फिर आप वापस से पैसेज पढ़ोगे क्वेश्चन ढूंढने के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वापस से पैसेज पढ़ोगे इट डज नॉट मेक एनी सेंस राधा मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन को दो बार पढ़ना जो उसने आपसे पूछे हुए हैं पैसेज राइटिंग के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज और एक और गलती जो आप कर देते हो अपन जनरली क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा आंसर मार्क कर देते हैं प्लीज मार्क मत करना उसको अनफेयर मीन्स में माना जाता है आप छोटा सा एक डॉट कर सकते हो सिर्फ कि हाँ ठीक है यहाँ पे कहीं पे इसका आंसर है अगर आपने क्वेश्चंस पहले से पढ़ रखे हैं तो फाइंडिंग द आंसर्स विल बी इजी फॉर यू आपका बहुत टाइम सेव होगा

अगर उन्होंने समरी का टाइटल पूछा है तो आप समरी का टाइटल लिखकर आओगे ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन नीचे आते हैं सर ये देख। इनके नोट मेकिंग वाला सेशन नहीं देखा तो मैंने उसका पे कर रखा है एक आपको आउटले दे रखा है विद रिगार्ड्स टू किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होगा ये रहा आपकी स्क्रीन पे ठीक है ये रहा इतना ही ध्यान रखना है आपको वट आई कैन सी ओवर हियर इज द फॉर्मैट ठीक है आई कैन सी हेडिंग

ठीक है समरी करके आंसर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दो पूछा है तो समरी की जगह आप बाजू में टाइटल लिख दो सिंपल ठीक है तो इस तरह से आपका बेसिकली फॉर्मेट होगा नोट पेंगे समरी का आप लोग वो, वो गंदा गंदा लिखकर बताना नहीं वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री 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 पॉइंट वन सब, सब पॉइंट लिखना है तो आपकी मर्जी नहीं लिखो तो भी चलता है वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस सर आपने कम से कम सात मैक्सिमम दस कीज बना करो नोट पिकिंग के अंदर इस तरह से यूज करना कि से कम लिखा आपने तो बहुत शॉर्ट लगेगा और टेन से ज्यादा लिखा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मेक श्योर इट इज सेवन टू टेन ठीक है थोड़ा सा आई वु राधा से हैंडराइटिंग से ज्यादा मैटर करता है आपने uh, काटम काटी कराए क्या नहीं करा इफ यू जस्ट अवॉइड बीसीआर लॉके पेपर में स्पेशली दिस स्क्रिबलिंग ठीक है लिख कर अवॉइड करोगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू हैंड राइटिंग तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा हुआ तो मेरा कहता गंदा है देख इट इज सो वर्स्ट माई माई हैंड राइटिंग इज सो वर्स्ट दैट इज ओके बस समझ में आना चाहिए सामने वाले को वॉट मैटर्स मोर इज आपने वो काटम काटी नहीं करवाना चाहिए ठीक है प्रथम आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन सर ऐसे मॉड्यूल करें या एम टी पी आर टी पी एम टीपीआरटीपी हंड्रेड परसेंट एम टी पी आर टीपी ही करना है अभी सर थ्री हेडिंग्स हेडिंग्स एंड फोर सब आई वुड से वन हेडिंग एंड फोर सब हेडिंग्स पागल तीन हेडिंग कैसे हो सकती है थर्टी फर्स्ट को रात को बारह बजने से पहले दारू पी लिया क्या हेडिंग तो एक होगा ना पागल जैनिल जैन शू करे छे तू ठीक <coughs> है जैनिल चलता है बोल रहा हूं मेरी कितनी गंदी है देख, देख, देख इतना मैटर नहीं करता ठीक है शवनी प्रेसी में डिफरेंस बताओ प्लीज शवनी मैं उस पर आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ शवनी डोंट वरी हम लोग अराउंड लोग देख रहे हैं एक्सपेक्टिंग आपने लाइक कर दिया होगा ठीक है अब 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 तक 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 चैनल वीडियो लाइक कर दिया होगा आपने एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू आगे बढ़ते हैं सर आई कैन सी नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर इज सेन थर्ड ऑफ ओरिजिनल पैसेज तो जिसने डाउट पूछा था आई थिंक उसका डाउट ऑटोमेटिक क्लियर भी हो गया किसका डाउट था श्रवनी का डाउट था आई थिंक इट इज ऑलरेडी क्लियर नाउ सर प्रेसी राइटिंग इज वन थर्ड एंड समरी इज वन फोर्थ ठीक है पैसेज प्रेसी इज वन थर्ड ऑफ दैसेज ये मेजर डिफरेंस है तो प्लीज लोड मत लेना आ, समरी और प्रेसी के अंदर अपने हिसाब से करके आ जाना वन फोर्थ वन थर्ड का बस ध्यान रखना एंड ट्राई कैप का टाइटल अच्छा हो ठीक है प्रेसी के अंदर भी आपको टाइटल लिखना होता है प्लीज नॉट फॉरगेट टाइटल अच्छे से लिख कराना प्रेस राइटिंग के अंदर भी ठीक है

उसका क्वेश्चन देखो सब उसने ऐसा क्वेश्चन दिया आर्टिकल राइटिंग अंदर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स नावोडेस ऐसा कोई उसने आपको आर्टिकल राइटिंग बोला टू फिफ्टी वर्ड का एक बार आप रीड करो आई से किस तरह आंसर लिखा है तो आपने एक या दो क्वेश्चन का आंसर रीड कर लिया कि किस तरह से ड्राफ्ट करना होता है किस तरह से फ्रेम करना होता है एम अगेन टेलिंग यू आप करोगे इट विल बी बेस्ट फॉर यू एटलीस्ट नाउ अब जो दो दिन बचाओ क्या दो भी कहा वन एंड हाफ डे नॉट इवन वन एंड हाफ जितना भी टाइम बचा है एम टी पी आर टीपीजन आपके लिए ठीक ठीक है है बी बी लॉ स्पेशली में टिप्स दे दो जन्म का समय से दो जन्म आई वुड सजेस्ट वुस्ट ने एक बार पूरा पैसे से से पढ़ा होना चाहिए ठीक है एंड जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं प्रेसी के अंदर आपने वो सब इंकॉर्परेट कर अगर क्वेश्चन <coughs> में पैराग्राफ्स दिए हुए पेसी राइटिंग क्वेश्चन है एंड देर आर पैराग्राफ्स इन पैसेज तो सपोज देर आर थ्री पैराग्राफ्स

रिया उसके अंदर हम जनरली मार्क्स आपको कम देते हैं ठीक है मतलब थ्री मिल रहे होंगे तो हम आपको टू पॉइंट फाइव देंगे बिकॉज वी वॉन्ट की आप और मेहनत करो और अच्छा करो तो आपके अगर टू पॉइंट फाइव प्रिल में आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में थ्री थ्री पॉइंट फाइव आएंगे रिया ठीक है गिव मे थम्स अप प्लीज सर कितना अटेम्प्ट का एम टी पी आरटीपी करें प्रथम जितना कर सकते हो मिनिमम थ्री मिनिमम थ्री मैक्सिमम जब तक के जान थाला फॉर रीजन का मैसेज है सर पहले लॉ करें या बी से करें जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आपको वो करना चाहिए माई पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी लॉ

आपको ऑथर का नाम लिखना होता है ठीक है आप प्लेस एंड डेट लिखते हो ठीक है न्यूज पेपर रिपोर्ट के अंदर चैप्टर नंबर टेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर इंक्वायरी लेटर्स लेटर्स एंड रिकवरी लेटर्स उसमें आपको सजेस्ट यू इंक्वायरी और सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं तो एक बार प्लीज उसका जो सैंपल दिया हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर मॉड्यूल में उसका एक बार सैंपल देखिएगा प्लीज इंक्वायरी का और कंप्लेन का ठीक है चैप्टर इलेवन मेल उसके अंदर एक थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है पहले अब तो नहीं आता ज्यादा वेन आर ई मेल्स इफेक्टिव मीनस ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेन दे आर इन अप्रोप्रिएट मीस ऑफ कम्युनिकेशन थे बता दो क्वेश्चन तो, the आ सकता है बीसीआर के अंदर तो प्लीज ध्यान रखना हाँ करना भेज देंगे नेक्स्ट रेज्यूमे आइडेंटिफाई फ्रॉम दी वर्ड ऑफ दी क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइप ऑफ रेज्यूमे देख अगर उसने आ, आपको एग्जाम में बोला है ना कि फ्रेशर के लिए रेज्यूमे लिख रहे हो तो इट हैजू बी बेसिकली फंक्शनल फॉर्मेट अगर उसने बोला है कि सर कोई फाइव इस एक्सपीरियंस या कोई सीनियर लेवल की पोस्ट के लिए कोई रेज्यूमे uh, लिखना है तो देन इट हैज टू बी क्रोनोलॉजिकल ठीक है कुछ समझ में नहीं आता गो फॉर कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बेस्ट एकदम स्मार्ट फिर रेज्यूमे uh, के अंदर ड्रॉप बॉक्सेस फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा ठीक है एंड फाइनली मीटिंग्स से चैप्टर से जनरली कुछ आता नहीं है बट आप एजेंडा फिर भी पर देख सकते हो एंड मिनट्स का फॉर्मेट देख लेना ठीक है इसको तो मैं हटा रहा हूं मैं आपको सेंड कर दूंगा डोंट वरी इसको मैंने हटा दिया ठीक है दो में डिस्कशन करते हैं सुनना द स्मार्ट वर्क इज कि सर एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस रेज्यूमे दिसवेज ए मोस्टली इट इज कवर लेटर प्लस रेज्यूमे आई वुड सजेस्ट यू उस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ देना बिकॉज कवर लेटर रेज्यूमे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम तो आई वुड सजेस्ट कि सपोज क्वेश्चन नंबर नाइन सी uh, के अंदर उसने आपसे पूछा है कवर लेटर प्लस रेज्यूमे छोड़ दे क्वेश्चन नंबर नाइन पूरा छोड़ दे तो क्वेश्चन नंबर सेवन एट टेन अटेम्प्ट करके आ जा ठीक है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तो इट इज जस्ट अ सजेशन मेरे एंड uh, से कि अगर आपको क्वेश्चन दिखता है कवर लेटर प्लस रेज्यूमे का तो उसको या तो आपको लास्ट में अटेंड करना चाहिए या वो पूरे क्वेश्चन को ही ए बी सी को ही आपको छोड़ देना चाहिए ऑप्शन के अंदर बिकॉज ऑप्शन बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ठीक है दैट इज विथ रिगार्ड टू बी सी आर अब बिफोर स्टार्टिंग विथ लॉ इन नेक्स्ट टू मिनट्स आप मुझे बीसीआर से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे पूछो लॉ का डाउट अभी नहीं दो मिनट बाद लॉ का आउट बीसीआर से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है मुझसे पूछो मैं आपके मैसेज अब पढ़ रहा हूं ठीक है मेक इट फास्ट कैन टाइटल ऑफ प्रेसी और समरी बी एज अ क्वेश्चन हाँ साक्षी हो सकता है इट इज ओके परफेक्टली फाइन सही प्रथम का मैसेज साइन प्रेजेंटेशन वी मेक बॉक्स इन सेक्शन और शेल वी अंडरलाइन इन प्रेजेंटेशन शरीर में एक अनलाइन मैंने बताया कि रिया क्लियर सर थैंक्स वैभव का मैसेज है समरी एंड प्रेसी में पैराग्राफ वाइज लिखे तो चलेगा सर वैभव समरी में पैराग्राफ्स अवॉइड करोगे तो आई वुड से अच्छा रहेगा समरी के अंदर पैराग्राफ मत बनाना प्रेसी में इट इस ओके समरी में प्लीज ढूंढंगो फॉर पैराग्राफ्स ठीक है वैभव प्लीज यू में हम्सअप समय में आ गया तो प्रथम मैसेज सर आप अभी आज रिविजन करने वाले हो डाउट सॉल्विंग प्रथम दोनों होगा हम रिविजन भी कर रहे हैं एंड हम डाउट सॉल्विंग भी कर रहे हैं मैसेज है ऑटोमेटिक स्टडी का सर टाइम एलोकेशन बताओ एंड बीसीआर में कितना करें सर वो सजेस्ट बीसीआर के लिए वन आर टेन मिनट्स एंड बाकी वन आर फोर्टी फॉर लॉ प्रत्यूष सर लॉ में सेक्शन इंपॉर्टेंट है लिखना प्रत्युष अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो लिखो नहीं तो आप लिख देना एज पर दी लॉ ठीक है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सेवेंटी टू घर लिखकर बताना ठीक है प्रथम थम्स अप प्लीज सर आरटीपी टी कहां से मिलेगी राशि आपको आरटीपी मिल जाएगी फ्रॉम वेबसाइट ऑफ आईसीए आप गूगल पे लिखेंगे बी ओ एस तो आपको मिल जाएगा देख मैं स्क्रीन पे देख लो आप एक बार बी ओ एस आई सी आई ठीक है आप ऐसा गूगल पे लिखेंगे एंटर मारेंगे आपको दिखेगा वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड एक्सेस ऑल द आरटीपी देखिए ओपन हो गया ठीक है अपना आईसीआई अपना माई बाप का वेबसाइट ओपन हो गया इस मैं नीचे गया एंड सी सब कुछ है यहां पे आई कैन सी दिस आर टी पीस देख मैं ओपन कहता हूँ ना रिविजन टेस्ट पेपर्स फाउंडेशन पेपर नंबर टू क्लिकर एंड हेयर वी आर आई है आर टी पी विथ मी सिमिली आपका एम टी पी मिल जाएगा सिमिलरली आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे विथ सोल्यूशन मिल जाएंगे ठीक है तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया है राशि सर नॉर्मली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है लॉक बता दिया हमने ऑलरेडी कल्पना सर ये पी डी एफ भेज देना भेज देंगे आगे बात करते हैं लेट मी गो थ्रू मोर मैसेजेस सर समरी में ओन वर्ड्स लिखे सकते हैं सिनोरियम सेंटोनियम ज्वाइन हाँ कर सकते हैं प्रियंका वैभव समरी एंड प्रेसी में पैराग्राफ वाइज लिखने तो चलेगा सर समरी uh, में पैराग्राफ मत बनाना प्लीज सर लॉ में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मयूरेश सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज ज्यादा है सर वो कैब में कुछ बता दो संधि वो के अंदर आप, आप जो बुक दी हुई है ना आपको उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइजेस एंड आपको जो उसने दे रखे हैं बुक के अंदर टेबल बना के जो बता रखा है वो कर लो अगर अब तक कुछ नहीं करे तो तो भी आपका काम हो जाएगा सर रेज्यूमे का कितना मार्क्स मिलेगा फिर हर्ष आपका पांच मार्क का रेज्यूमे है अलॉन्ग विध कवर लेटर आपने प्रॉपर लिखा है तो आपको चार साढ़े चार मिल जाएगा बट अगेन आई टेल यू इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम समरी एंड प्रेसी में पैराग्राफ हो गया तो समझ सर वो कैब में कुछ बता बता दिया फिक्स क्वेश्चन होते हैं नहीं मेहर फिक्स क्वेश्चन नहीं होते आर टी पी बता दी कहाँ से मिलेगी सर वो कैब डरी कहाँ से करें दे डोंट आस्ट फ्रॉम बुक दीज डेज रियल टी बुक अच्छे से कर लो uh, आपको काफी सारा आइडिया आ जाएगा आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट कि सर वो कभी कभी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं सिनोनिम एंटोनिम के अंदर कि आप पागल हो जाओ बट देन द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि सर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है यू डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग तो आपको आता है तो अच्छी बात है नहीं आता तो कुछ ना कुछ टिक करके आना आप ब्लैंक छोड़ के नहीं आ सकते ठीक है दिस वोकैबलरी चैप्टर एंड दिस सेंटेंस टाइप्स में रिया ठीक है नोटिस है मेमोरेंडम भी आता है ना सर काफी ठीक uh, है कभी कभी आता है वोकेबरी पे बोलो सर बोल दिया आई गेस आर्टिकल राइटिंग महेश बता दिया सर हाउ टू गेन मार्क्स इन अगेन टेलिंग बुक एक बार अच्छे से कर लेना मॉड्यूल सर इडियंस मीनिंग एंटर मॉड्यूल से ज्यादा तो चलेगा ना हा प्रथम चलेगा इन एग्जाम शेल बी स्टार्ट फ्रॉम लॉ और बोर्ड फर्स्ट सर आई थिंक मैंने बता दिया इसका आंसर रिपोर्ट का कुछ बता दो सर कैसे लिखना है वो कल्पना रिपोर्ट राइटिंग या तो आती है न्यूज या मैगजीन उसका एक बार सैंपल जो बुक में दिया हुआ है एक बार सैंपल देख लो एक क्वेश्चन लिख के ट्राई करना इट इज मोर देन इनफ सर आर्टिकल में मेरे टाइटल और यूजुअल बिग छोटा मुझसे बनाया नहीं जाता रिया बनाना पड़ेगा राइटिंग लॉन्ग टाइटल इज गिविंग नेगेटिव इंपैक्ट टू द पेपर चेकर ठीक है यश वो कैबलरी के लिए मॉडल रेफर करो पहले प्लीज एक्टिव पैसिव बुक के क्वेश्चंस आपको देखने हैं सबसे पहले जितने सॉल्व करके दिए हुए हैं सर ईडीएम मॉड्य से पूछते हैं क्या हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है, है आई थिंक तीन चार बार हो उच, चुका है ऐसा कि मॉडल में से ईडीएम आ जाता है ठीक है मॉडल वाला ईडीएम दे आ द एग्जाम मुझे अभी भी याद है स्टॉम इन अ टी कप आपकी मॉडल में एक ईडीएम है स्टॉम इन अ टी कप वो एग्जाम में तीन बार आया हुआ है जस्ट इमेजिन तो एटी साहब मॉडल तो अच्छे से कर लो वो कैबलरी चैप्टर के अंदर So, तो मुझे आता है बट बीसीआर कैसे करूं? राशि मैं प्लीज लेक्चर देखना आई थिंक दो लेक्चर यूट्यूब पर डाले हुए हैं अपलोड करे हुए हैं you, क्या, था, था, क्या? मयूरेश पंद्रह बीस मार्क के बीच में सोल्व करना है आपको बीसीआर में तो चलेगा बाकी आई सजेस्ट क्या आप बाकी चैप्टर्स भी कर ही विल नॉट अ टाइम सर एम टी पी फॉर रिविजन संदीप इट इज इनफ अगर आप पांच छह एम टी पी करें तो फॉर रिविजन पांच मिनिमम संदीप ठीक है चलो बात करते हैं आगे बात करते हैं सुनो मैं अगर आपकी जगह होता मतलब मेरा एग्जाम होता लॉ का अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आज रात को लेक्चर तो देखिए खत्म कर दूंगा मैं आपके जितने डाउट सब डाउट्स करवा के जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिविजन करवाए रिविजन करवा के मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा नौ साढ़े नौ तक आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आज रात को सोने से पहले आपका मैक्सिमम बी सी आर हो जाना चाहिए एक बात समझ अभी थक थके हुए हैं थोड़ा सा ठीक है एग्जाम का टेंशन भी है आसपास थोड़ा ऐसा दिमाग भी भटक रहा है अपना तो यू कैन नॉट स्टार्ट विथ लॉ टुडे इन द नाइट ठीक है न्यू ईयर वेयर सब भाड़ में जाए मैंने भी छोड़ दिया आप भी छोड़ दो ठीक है <coughs> ऐसा समझो सपोज नौ बजे लेक्चर खत्म होता है अपना सपोज नाइन ओ तो डिनर मिनर करके जो भी आपका नाइन थर्टी से लेके ट्वेल्व थर्टी थ्री आर्स आपको बी करना है ठीक है आज रात को बी करना है बीसीआर में भी क्या आई टोल्ड यू ऑलरेडी सर नोट नोटविंग समरी करेंगे सर uh, करेंगे एंड वोकैबलरी आपको मुझे आज प्रॉमिस करना होगा ठीक है कि सर आज हम सोने से पहले तीन चैप्टर खत्म कर देंगे कैन यू गिव मी दिस मच ऑफ प्रॉमिस प्लीज मुझे बताओ अपन एकदम पढ़ाई करेंगे यार आज रात को सोने से पहले अगर दो घंटे में जाए दो घंटे में करके सो जा चैप्टर वन वोकैबलरी चैप्टर वन आपका कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर फाइव नोटविंग समरी चैप्टर नंबर सेवन प्रेसी ये तीन चैप्टर अपन करके सोएंगे प्रॉमिस कर सकते हो मुझे आप आज की बात कर रहा हूं आज की बात कर रहा हूं इतना कर सकते तो आप एक बात समझो आप हंड्रेड में से से प्रिपरेशन करके सो रहे हो कितना मार्क्स मच कैन यू प्रोमिस मिथ दिस मच प्लीज गिवे थी प्लस लोग देख रहे हैं इतना आपका प्रॉमिस करना है चैप्टर्स आप आज सोने से पहले कम्युनिकेशन चैप्टर अच्छे से याद करके सोएंगे आप मेकिंग uh, समरी का एक क्वेश्चन हाथ से लिख कर करके सोएंगे एंड आप प्रेसी राइटिंग का एक क्वेश्चन एटलीस्ट लिख कर करके सोएंगे ये तीन आपको चैप्टर कर करके सोना है कुछ भी हो जाए प्रेसी राइटिंग नोट मेकिंग समरी एंड कम्युनिकेशन अगर आपका ये ऑलरेडी जल्दी से हो जाता है सपोज एक घंटे में डेढ़ घंटे में हो गया बिकॉज जो मेरे बच्चे जिन्हें मुझसे पढ़ा हुआ है ठीक है घाटकोपर ब्रांच मीरा रोड ब्रांच मुलुन ब्रांच बोरीवली में तीन चार बैच ब्रांच जो भी है हमने तो बहुत प्रैक्टिस करी है तो आप लोगों को वो सब करने में लगेगा मैक्सिमम एक घंटा सवा घंटा तो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका ये तीन चैप्टर बहुत जल्दी से हो जाता है सर आपको बाद में फोकस करना है आर्टिकल रिपोर्ट एंड लेटर के ऊपर फिर सो जाना जिनका ये तीन चैप्टर जल्दी से हो जाता है देन नेक्स्ट टॉपिक शुड बी आर्टिकल रिपोर्ट एंड लेटर राइटिंग ठीक है इनका एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मस्त घोड़े बेच के सो जाना दुनिया फटाके फोड़ेगी दुनिया दारू पिएगी दुनिया हुक्का पिएगी सिगरेट पिएगी पीने दे अपन खुद पे फोकस करते हैं आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खुद पे पर रिप्लाई तो uh, भी नहीं करना न्यू ईयर सेम टू सब है। खुद पर उससे प्लीज नहीं तो कल का दिन बेगर जाएगा तो मैक्सिमम ट्वेल्व ट्वेल्थ थर्टी तक आप सो जाएंगे सुबह उठेंगे फिर आप जब भी आई वुड सजेस्ट आप कम से कम छह घंटे की नींद लो आई वुड सजेस्ट यू सिक्स आवर्स का आप मिनिमम है तो आप सपोज ट्वेल्व थर्टी होते हो आप उठोगे सिक्स थर्टी सुबह उठ के आपने स्टार्ट करना है लॉ एकदम फ्रेश माइंड दैट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख अगर आपने पहले उठाया ना कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप तो दिन खत्म होते 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 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आएगा ना तो आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे तो एकदम स्मार्टली विथ माई एक्सपीरियंस बोल रहा हूं सुबह उठकर स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर भले वो करते करते आपका दोपहर का दो बजे तीन बज जाए नॉट मैटर सुबह उठ के आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है एकदम ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है तो साइड में लिख भी लो हमने आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैंने क्या बोला अब तक हमने आपको बोला कि आज आपको समझ बी सी आर करेंगे अगर आप मेरे स्टूडेंट मुझसे आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टारगेट वुड बी चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर सेवन ऑफ बी सी आर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा तो आपके लिए टारगेट वुड बी चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सेवन उसके अलावा आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग ठीक है एट नाइन एंड uh, आपका लेटर राइटिंग इतना करके मस्त सोझाने का घोड़ा बैच के सो जाने का सुबह उठोगे आप एंड आप चालू करोगे अर्ली इन द मॉर्निंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ठीक है एक बार पूरा फटाक से रिविजन वो आपका जब हो जाएगा तो यू विल बी एग्जॉस्टेड ऑब्वियसली हो सकता है दोपहर के बारह बज जाए एक बज जाए दो बज जाए ठीक है, है? फाइन लाइट एक लाइट एकदम लंच करना ठीक है देन आपको सोना नहीं है टू टू फाइव का जब का टाइम है तब तो आपको सोना ही नहीं है वॉट यू नीड टू बी डूइंग इज कुछ लाइट उठाना आपको कंपनीज एक्ट ईजी लगता है तो आप वो उठा लेना आपको पार्टनरशिप ईजी लगता है आप वो उठा लेना आप लोग एल एल को तो वैसे भी इज्जत देते नहीं हो तो कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप में से कोई भी एक उठा लेना आफ्टर योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डन सपोज आपने उठा लिया कंपनीज एक्ट वंस यूर डन विद कंपनीज एक्ट देन गो विध पार्टनरशिप फ्री के मार्क्स है सर फ्री के मार्क्स गो विथ पार्टनरशिप पार्टनरशिप हो जाने के बाद यू कैन गो विथ दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लास्ट में अगले दिन सुबह एग्जाम के दिन उठकर वॉट यू नीड टू डू इज बैलेंस चैप्टर ऑफ बी जो बच गए थे छोटे मोटे अपने वो सब फटाक से एक बार देख लिया आधे घंटे में एंड देन आपका एल एल पी एल एल पी छोड़ के मत जाना आई नो पांच मार्क का वेटेज है बट सर पांच मार्क बहुत बहुत मैटर करते हैं फाइव मार्क्स इज थर्टी नाइन एंड फोर्टी फिफ्टी नाइन एंड सिक्सटी ठीक है वो पांच मार्क का इतना रिलिवेंस है तो प्लीज एल छोड़ के नहीं जाना और हम आपको एनी वे बता चुका हूं इंपॉर्टेंट उसमें से क्वेश्चन भी कौन से हैं तो आपने उतना तो करके जाना है तो दिस वुड बेसिकली बी माई आउटले एक आखिरी बात बिफोर स्टार्टिंग विदिजन एंड योर डाउट्स स्लीप फॉर सिक्स आवर्स प्लीज आप टेंशन में आके मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ करके आप तीन घंटा चार घंटा पांच घंटा सो रहे हो नहीं आप मेरी एक बात समझो आपको जब आपका लॉबीसी का पेपर आप लिख रहे होंगे उस टाइम पे आपका माइंड इतना फ्रेश होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत स्ट्राइक हो कि कौन सा प्रोविजन कहां से पूछा है फ यू आर नॉट फ्रेश आपको क्लिक ही नहीं होगा या क्लिक लेट होगा तो हम पागल है वाई वुक सच अर सिक्स आवर्स का मिनिमम स्लीप मैक्सिमम सेवन सात से ज्यादा मत सोना भाई सिक्स टू सेवन आवर्स मैक्सिमम सिक्स से कम नहीं सेवन से ज्यादा नहीं उतना आपको सोना है आज भी एंड कल भी दोपहर में नहीं सुने का स्पेशली गुज्जु लुक जो सुन रहे हैं मुझे दोपहर को नहीं सोने का अरबी क्लियर रिया हम आते हैं लॉकी लौक, लॉकी बात करते हैं मुझे बताओ यहां तक समझ आपको टाइम टेबल समझ में आ गया यहां तक ठीक है फिर हम आगे लॉ की बात करना स्टार्ट करें दो मिनट में टाइम टेबल समझ में आ गया आज आपको बीसीआर कल पूरा दिन लॉ और फिर एग्जाम के दिन पे सुबह उठ के छोटे मोटे जो टॉपिक टॉपिकल एल पी और बीसीआर के रिमेन टॉपिक्स वो इतना ठीक है प्लीज टेल मी इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई जल्दी इतना समझ में आया कि नहीं आया मैं वेट कर रहा हूं मैसेज का प्रथम का था सब आ गया मेरे पास निया का मैसेज है यस सर अक्षर का मैसेज है हा हा वॉट हा हा पागल हा हा होगा मे बी रिदम का मैसेज आ गया हाँ सर मैत्री यस राशि यस प्रत्यूष रिया ईशान प्रत्युष समीर सर दो और पाँच चैप्टर क्या तो चलेगा क्या मेरे और भी करना पड़ेगा प्रत्यूष क्लियर आशी का मैसेज है मेरे पास चैत्या दोषी का मैसेज है मनहिर मेहरा अचल शाह ओके लॉस ऑफ मैसेजेस राशि लॉस ऑफ मैसेजेस कल्पना वल्पना ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है काजल रिवी रित्वी जयनिल ठीक है नम्रता वैभव ध्वनि ध्वनिरोन ठीक है तो वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ बी हम बीसीआर और डिस्कस नहीं कर रहे ऑब्वियसली वी आर डन विद प्लानिंग ऑल्सो कि आज क्या करना है कल क्या करना है परसों क्या करना है उसकी हम बात कर चुके हैं हम फटाक से स्टार्ट करते हैं विथ बेसिकली लॉ पहले मेरा सुन लो आपके जितने डाउट हैं मैं उसको सॉल्व करे बिना आज नहीं जाऊंगा आप मुझे दस बजे तक रुकोगे मैं दस बजे तक रुकूंगा बट पहले जो मुझे लगता है आपको इंपॉर्टेंट जो आना चाहिए लेट मी फर्स्ट वाइंड दैट अप ठीक है उसमें हो सकता है आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाए तो मैं एक ही करके ओपन कर रहा हूँ ठीक है आपके जो भी डाउट्स हैं सब निकाल के रखो मैं आपको सब करवा दूंगा उसके बिना मैं नहीं जाऊँगा ठीक है आई विल नॉट एंड द लेक्चर टिल वी आर डन विथ दिस डाउट्स ऑफ योर्स ऐसा भी हो सकता है अपन रात को बारह बजे न्यू ईयर साथ में मनाए ठीक हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको बोलूँ रात को बारह बजे का तो लेक्चर चल रहा है कुछ भी हो सकता है मैं तो कहीं जा नहीं रहा ठीक है पार्टी वार्टी करने ना मैं कहीं लोनावला जा रहा हूं मैं तो घर पर ही हूं ठीक है आप पीछे आपको दिख रहा होगा अलमारी मैं तो घर पर ही हूं। तो एक बार आपको मैं मेरे फ्लो के अंदर बता देता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम के लिए ठीक है तो विल स्टार्ट विद अगेन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा ऑब्वियसली अभी का भी तो आई होप आपके पास आपकी नोटबुक पास में होगी प्लीज ओपन इट अप आई एम स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट ओके स्टार्टिंग नाउ सर पहले रिवीजन या मोहित पहले रिविज्ञ, पहले रिविज्ञ, पहले रिवीजन 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 ऑब्वियसली सर इंडियन एमटीपीपीन एलपी नहीं हो रहा है मैरिश करना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रेक्ट तो करना पीछे छोड़ा तो ठीक है इंडियन कॉन्ट्रेक्ट तो वाई करना पड़ेगा आज न्यू ईयर यहीं करेंगे हाँ हो सकता है यहीं कर करें ठीक है स्टार्टिंग नाउ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं रुक जाऊंगा आपको बता दूंगा प्लीज इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दो मुझे लगेगा मुझे रिवाइज करवाना चाहिए मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा ठीक है बॉक्स साइड में ठीक है बिल्कुल बात बात नहीं फोकस पूरा फोकस प्लीज मार्क सेक्शन नंबर टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता बताता भी जाऊंगा बता और मुझे कुछ रिवाइज करने से लगेगा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा प्लीज मार्क सेक्शन नंबर टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर भी याद करना है जो मैं बोलूंगा आपको याद करना है ठीक है सेक्शन नंबर टेन ऑफ वेली कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना प्लीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना प्लीज मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिकेशन ऑफ ऑफर प्लीज मार्किट वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर काउंटर एंड क्रॉस सारे इंपॉर्टेंट है प्लीज मार्किट वेरी इंपॉर्टेंट जनरल ऑफर हमने ऐसा डिस्कशन किया था सर कार्लियल वाला केस लो क्या आपने न्यूज पेपर में एडविटाइजमेंट दे दिया सो so, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके दैट वॉज जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर मै इट वॉज बोल्टन वर्सिस जोन्स जिसको मैंने ऑफर किया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता ठीक है काउंटर अगेन आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ ऑफर रखा सामने उन्होंने बार्गेनिंग करा तो काउंटर ऑफर हो गया ठीक है क्रॉस ऑफर मैं आपको कुछ बोला आपने मुझे कुछ बोला दोनों साइड से ऑफर फ्लो रहा है दैट इज क्रॉस ऑफर स्टैंडिंग तो ठीक है लिमिटेड पीरियड तक ओपन है विंडो <laughs> ये वो सारे हम जो डिस्कस कर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट इसके ऊपर के स्टडी क्वेश्चन बन जाता है ये जो पॉइंट uh, है ना अपना लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस इसके अंदर हमने एक uh, इनशा देख लिया इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है के स्टडी द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड केस लॉ आई थिंक हमने ऑलरेडी कर लिए ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोब्रेन रेलवे कंपनी हमारा अलग से लेक्चर भी है केस लॉ का जो आप यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको इसी एडवाइड के चैनल के ऊपर ठीक है मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ऑफर इंपॉर्टेंट सुपर इम्पॉर्टेंट ठीक है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी अगर आपको वो क्वेश्चन या टॉपिक आपको नहीं आता अगर तो यू कैन जस्ट सॉल्व या मैं आपको सोल्व करा देता हूँ वेस्ट नहीं करते मैं करवा देता हूँ सुना रिया वापस देखें ना वीडियो में पापा टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन देख ए राइट लेटर टू बी ऑफरिंग टू से फॉर पीस ट्वेल्व लैक्स ऑन फर्स्ट जनवरी पोस्ट करा लेटर रिसीव करा लेटर रीड करा तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा जब सामने वाले ने उसको रीड करा इजी विच इज ऑन नाइन्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इजी अब हमने इसको ऑफर किया था उसने उसको बेसिकली एक्सेप्ट कर दिया उसने लिखा कब को पोस्ट कब किया फिफ्टींथ को रिसीव कब हुआ रीड कब करा ए ट्वेंटी वन को अब हम बात करते हैं विथ रिगार्ड टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब बी ने पोस्ट कर दिया ना बी ने जिसको ऑफर किया था हमने जब उसने पोस्ट कर दिया उसके पोस्ट करते ही हमारे ए के लिए एक्सेप्टेंस हो गया और बी के लिए जब ए ने लेटर रीड करा तब एक्सेप्टेंस होगा तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है इतनी सी बात ध्यान रखनी है आगे बढ़ रहा हूं ठीक है ये रहे आपके आंसर्स देख विथ लॉजिक मैंने लिखा है वहां पे आंसर्स देखे मैंने विथ लॉजिक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नाइन जनवरी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए फिफ्टीन जनवरी जब वहां से लेटर पोस्ट हो गया था रीड करा तो आपके इस एग्जाम्पल से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी विद रिगार्ड टू द होल टॉपिक दिस एग्जाम्पल इज मोर देन गुड एग्जाम्पल पूरा टॉपिक समझने के लिए जेमजे का मैसेज है सर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन सेम टाइम में रिसीव हुआ तो, तो रिवोकेशन वाला कंसिडर किया जाता है ऐसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है ठीक है रिवोकेशन वाला कंसिडर किया जाता है अगर दोनों साथ में मिला तो <coughs> जनरली हमेशा बोलते हैं कि जो पहले रीड कर लिया वो ठीक है आगे स्पेशल कंडीशंस ठीक है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वैसे बहुत इजी टॉपिक है फिर एक सुपर क्वेश्चन है ठीक है जिसमें हमने कवर uh, करने का ट्राई करा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ ऑफर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो अगर आप चाहो तो मैं आपको एक मिनट दे सकता हूं इसको सॉल्व करने के लिए प्लीज uh, ट्राई मैं आपको एक मिनट देता हूं सी इफ यू कैन सॉल्व दिस दिस इज सुपर समरी क्वेश्चन ठीक है जितने भी देख रहे हैं टेक वन मिनट एंड ट्राई करिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या राजा है इसके प्लीज फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर बाकी बात नहीं करते ट्राई करिए सर सुपरचैट भी करने के लिए समझा रही आपका मैसेज सोल्व करो इसको सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो मेरे हिसाब से आसान है ए दो अलग क्वेश्चन है ए राइट लेटर टू बी ऑफरिंग टू तो सेलिस टू लैक्स ही पोस्ट द लेटर ऑन सेकंड जुलाई और उसको बी को मिलता है चार जुलाई को अब कुछ लिखा नहीं है मतलब जिस दिन लेटर मिला उसी दिन पढ़ भी लिया तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ है चार जुलाई को यह मेरा आंसर हो गया सर खत्म दम्युनिकेशन से चिट्ठी लिख रहा है ए लेटर ऑन टेंटर बी ऑन फोर्टीन जुलाई तो बी के लिए एक्सेप्टेंस कब हो गया जब ए ने उसको पोस्ट कराचे बी के लिए कब खत्म हुआ कम्युनिकेशन जब ए ने उसको रीड करा तो आंसर क्या आएगा सर Uh, पहला तो फोर्थ जुलाई था टेंथ देन फोर्टीन रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब हो सकता है एक्सेप्ट करने से पहले तक मतलब टेंथ एक्सेप्टेंस कब हो सकता है बाई uh, ए जब बी ने पढ़ा उसके पहले मतलब 14 के पहले तो टेक्निकली से फोर्टीन के बीच में रिवोकेशन हो सकता है तो आंसर क्या होंगे सर टेनटीन टेन फोर्टीन टेन एंड फोर्टीन देख आंसर चेक कर आंसर चेक कर मोहित दास के आंसर राइट right है है प्लीज एक बार आंसर चेक करो आई जस्ट पुट माई लैपटॉप इन ऑन चार्जिंग यू कैन प्लीज चेक योर आंसर्स बाय देन टाइम मत करिएगा मैं इस लैपटॉप पर एक बार चार्जिंग पे लगा देता हूं सर जस्ट गिव मी वन मिनट मीन यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड आपके कोई डाउट है अगर इसमें तो मुझसे पूछ सकते हो डन मोबाइल स्टार्ट कर लेता हूँ अपना टाइम सेव हो जाएगा ठीक है मोबाइल लैपटॉप बंद कर दिया मैंने मैं आपके और चैट बॉक्स को मोबाइल में देख लूँगा ठीक है विल सेव टाइम मोबाइल में बैटरी है जिसकी में सेकेंड ओके okay. तो आपके चैट बॉक्स अब मेरे हाथ में है आंसर राइट था प्रत्युष का आई थिंक प्रथम के एक दो पॉइंट्स रॉन्ग थे मोहित का आंसर राइट था आई होप समझ में आ गया होगा कोई टॉपिक इट वाज इंपॉर्टेंट आगे बात करते हैं कंसीडरेशन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट अब देख इसमें से है ना इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और बार बार आता है विच इज uh, विद्यास्तु दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव कि सर कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द ऑफ द प्रोमर जो आपको पैसा देने वाला है काम उसके हिसाब से ही होना चाहिए मार्क दिस इंपॉर्टेंट चिल्ला सबको आता है अब तक तो, तो सबको समझ आ गया सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई मुझसे पूछा था जब हम बीसीए गए थे तब कि सर थेरी क्वेश्चन बताओ कौन सा आता है

हमने विद एग्जाम्पल सारे पॉइंट्स को समझाया हुआ है सात मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके अंदर और सात मार्क का क्वेश्चन आता है तो मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज अ क्वेश्चन इज एंड जैसे ही टॉपिक खत्म होता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेक्स्ट पेज पे विच इज दिस वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन मतलब कंसेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अगेन इसके अंदर थे क्वेश्चन आता है सात मार्क का यू कैन सी अगेन यू विल फाइंड सेवन पॉइंट्स तो आपके दो थे क्वेश्चन बताए बोथ ऑफ देम वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड स्पेशली उसके अंदर भी मैं आपको बोलूं अगर तो आपको ये वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना चाहिए नेचुरल लव इन अफेक्शन इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन चुका है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जहां पर लिखना होगा वैलिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट कंस्ट्रेशन सेक्शन नंबर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंटें सेक्शन ट्वेंटी फाइव आपको नंबर ट्वेंटी फाइव याद रखना पड़ेगा जैसे आपको मैंने बताया सेक्शन नंबर टेन इंपॉर्टेंट है वैसे सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव इंपॉर्टेंट है तो उसको हम याद रखेंगे ऑबियसली एंड उसके अंदर भी मैं जो पॉइंट नंबर वन है नेचुरल लव ऑफ अफेक्शन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बताया था तो उसको प्लीज आप स्टार मार दीजिएगा ठीक है डन ये खत्म हो गया डन तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने आपको दो तीन टॉपिक बता दिए रिवाइज करवा दिए और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए आगे मूव करते हैं सर लेट मी मूव द थर्ड यूनिट ये आपके सामने सर

मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेटी फॉर नेसेसरीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बाकी ठीक है बाकी इज ओके ओके खत्म वाला पॉइंट खत्म सर इस राइट ग्रुप पे मिलेंगे प्रत्यूष हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं आपको अगर फिर भी चाहिए तो मैं आपस भिजवा दूंगा इट्स फाइन विथ मी हमने भिजवा दिया इसको ऑलरेडी uh, हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसके ऊपर इफ यू वॉन्ट हम इसको वापस भिजवा देंगे फाइन विथ मी आइए सर मार्क अंडी इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज करता हूं अंडी इन्फ्लुएस में क्या था हमने ऐसा देखा था कि सर बेसिकली तीन बातें होती है मैं आपको लास्ट सेक्शन में थी थी वो वो अभी वापस बता देता हूं, वो तीन बातें ये कि सर कोई रिलेशन होना चाहिए दो जन के बीच में और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक जन सामने वाले के विल को डोमिनेट कर सकता है एंड उस डोमिनेशन से वो सामने वाले का फायदा उठा रहे हैं एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अवॉइटेबल इतना ही आपको ध्यान रखना है अंडी इन्फ्लुएंस के अंदर

सामने वाला को बोलता है कि मैं आप पे रिलाय करता हूं और तब आपने कुछ बोला नहीं तो फिर वो फ्रॉड है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है अगर आपने मेरे से क्लास अटेंड करी है तो हमने इसको आपको क्लास के अंदर छह या सात केसेस बना के दिए थे तो आपको छह या सात केसेस करने चाहिए ठीक है फ्रॉड अगेन लाइक अंडर इन्फ्लुएंस वेरी इंपॉर्टेंट मिस रिप्रेजेंटेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट एक बार पढ़ लिया आपने बहुत हो गया मिस्टेक भी ठीक है मिस्टेक में आई थिंक बायोलिटल मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है जब पे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सर अवॉइड हो जाता है ठीक है बायोलिटल मिस्टेक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो वो आपको ध्यान रखना है एक मैसेज है फिड्यूशियल रिलेशनशिप काजल फिड्यूशियल रिलेशनशिप का मतलब होता है गुड फेथ जहां पे आप सामने वाले से कुछ छुपा नहीं सकते ठीक है ऑटोमेटिव क्या खुद से बात करें पागल प्रिविटी क्या बोल रहा है एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑटोमेटिव क्या बोल रहा है भाई तू सब ठीक है भाई चंगा आगे ये सब एकदम इजी है मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेशन इज अपोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट उसके अंदर में चैम्पाटी मेंटेनेंस मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ फटाक से ठीक है मी जस्ट रिवाइज द सेम अगर मैं किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करता हूं सिर्फ उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए मतलब मेरा कोई रियल इंटेंशन नहीं है उस केस को जीतने का या केस फाइल करने का मुझे उसे कुछ मिलने नहीं वाला आई एम जस्ट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट टू डिस्टर्ब दैट पर्सन तो हम इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ठीक है मेंटेनिंग अ सूट जिसमें आपको कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ सामने वाले को परेशान करना है दैट इज मेंटेनेंस चंपाटी क्या होता है इट इज इट्स लाइक इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कि जहाँ पे आप सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाने की ट्राई करते हो ठीक है ठीक है हटाया इसको मैंने वन पॉइंट थ्री थर्ड यूनिट से आपको मैंने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया आगे बात करते हैं सर मूविंग टू 1.4। वन पॉइंट फोर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है तो वो यही यूनिट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ठीक है लेट मी कम टू डायरेक्टली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है बाय वूम अ कॉन्ट्रैक्ट वे बी परफॉर्म्ड देख अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना या जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है या जहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं है, ये ये स्पेसिफिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा तो फिर उसको ही परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट है पेंटिंग का तो अगर परफॉर्म uh, करने वाला मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया इट केनॉट बी गोइंग अहेड नाउ फ्रॉम नाउ वन बिकॉज उसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है पर यही अगर पर्सनल स्किल्व नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस काम को ऑन करेंगे, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट का समय बता रहा हूं रिवाइज कर साथ, साथ में डिस्टिंगशन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट मैं आपको बुक की लैंग्वेज बताऊं तो सक्सेशन बेनिफिट जैसे अगर कोई बाप मर गया तो बेटे को बाप की असेट भी मिलेगी और बाप की लाइबिलिटी मिलेगी असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता असाइनमेंट ट्रांसफर करता हूं किसी थर्ड पार्टी को तो मैं मेरे पापा से बार बार बोलता हूं मुझे ने तो क्या जहां से पापा को रिटर्न मिलते थे इन्वेस्टमेंट के उसको बोल दिया कि पैसा सीधा मेरे बेटे को देना है और अगर दोनों असाइन हो रहे हैं तो फिर असाइनमेंट नहीं वो सक्सेशन हो गया

सब में यहां से क्वेश्चन आता है सेक्शन फोर्टी थ्री से दैट इज तो ए बी सी तीन ज्वाइंट ए तो और बी को अपने बीच में डिवाइड करना पड़ेगा सर ए बी और सी में से सी मर गया तो ए बी एंड सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये तीन मिलके डेट पे करेंगे सामने वाला जो लेंडर है वो सिर्फ ए को जाके बोल सकता है कि मुझे पूरा पैसा सिर्फ तू देगा इट इज अलाउड बाद में ए निकल कर लेगा बी और सी से पर सामने वाला जिसने पैसा दिया है उधार पे वो किसी एक को भी जाके बोल सकता है कि भाई मैं पूरा पैसा तुझसे लूंगा और आपको देना पड़ेगा अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैच जो आई थिंक फिफ्टी परसेंट बच्चों को पता नहीं होगा फिफ्टी परसेंट ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको जस्ट गिव मी वन सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फोकस करेगा यहां पे प्लीज 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 ड्रॉप कर ले ना इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम देख फोकस करना मैं आपके लिए एक सिचुएशन में रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से ठीक है जिसकी मैं सेकेंड ओके हियर वी गो। तीन लोग हैं ए बी एंड सी ठीक है जॉइंट प्रोमिसर्स हैं सामने है लेंडर सामने है लेंडर मेरे पास uh, मेरा लैपटॉप भी नहीं है टच स्क्रीन वाला तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि हिसाब पढ़ा दूँ अब लेंडर ने पैसा दिया है ए बी सी को मिलकर जो ए बी सी लौटाएंगे एज ज्वाइंट प्रोमिसट से अमाउंट इज लेट्स से द अमाउंट इज थ्री लैक्स ठीक है अमाउंट तीन लाख है केस नंबर वन लेंडर अकेला ए के पास जाके बोल सकता है कि मुझे पूरा तीन लाख रुपए तू देगा

Now the catch is, sir, पे जो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लैंडर जाके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बोल सकता कि मुझे पूरा तीन लाख रुपए तू देगा बच्चों को नहीं पता होगा रिपीट माई पॉइंट लैंडर बी को जाके बोल सकता है कि मुझे पूरा तीन लाख रुपए तू दे एंड बी को देना पड़ेगा एज ए ज्वाइंट प्रोमिस बट लैंडर जाके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बोल सकता कि पूरा तीन लाख दे वो एक लाख ही देगा समझा या नहीं समझा प्लीज गिव मे थम्स अप मैं जैसे जैसे लिखने की ट्राई करूं मेरे लैपटॉप के ऊपर जो टच स्क्रीन भी नहीं है आर वी क्लियर विद दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी फोस्ड टू पे द होल अमाउंट ही विल पे ओनली द पोर्शन ऑफ वॉट ही इज लाइबल फॉर ये समझा या नहीं समझा प्लीज हेट मी नो जितने भी लोग देख रहे हैं हंड्रेड वन ट्वेंटी जो भी है आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस प्लीज हेट मी नो ए एस ए पी आर वी क्लियर विद दिस मैं आपके चैट चैट बॉस देख रहा हूँ रिया का मैसेज है यस yes. इसमें और भी बताऊंगा मैं आपको पहले ये समझा कि नहीं समझा ईशान का मैसेज है निया का मैसेज है आशी का मैसेज है कल्पना का मैसेज है नकुल का मैसेज है आकाश का मैसेज है <coughs> आ, आकाश में आता हूं एक सेकेंड मनीर का मैसेज है कल्प का मैसेज है आदित्य सर क्या रीजन से नहीं फोर्स कर सकता पूरा पैसा लेने के लिए नहीं फोर्स कर सकता प्रत्यूष का मैसेज है आकाश का मैसेज है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब सुनना सपोज ए की डेथ हो गई एंड बी इंसॉलमेंट हो गया ए की डेथ हो गई एंड बी इंसॉलमेंट हो गया अब बी के पास बचे हैं सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो इन दैट केस पता है सर क्या होगा बी सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड देगा एंड जो तीन लाख में से फिफ्टी थाउजेंड में दे दिया टू लैख फिफ्टी हटा टू लैख फिफ्टी बचा फिफ्टी थाउजेंड हटाने के बाद अब टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड होगा बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड सी कितना ई सी है अगर तीनों प्रोमिस चले गए तो प्रोमिसर किसी से ले पूरा पैसा नहीं मांग सकता नहीं समीर लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप पूरा पैसा नहीं मांग सकते सपोज ए मर जाता है बी मर जाता है सी मर जाता है तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं तो आप सबसे एक लाख एक लाख एक लाख ही मांग सकते हो पूरा तीन लाख नहीं मांग सकते आर आरबी क्लियर समीर आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आदित्य ठीक है हाँ निशु दैट इज वेरी ऑब्वियस जितना इनहेरिट हुआ है आप मैक्सिमम उतने के लिए लायबल हो वो तो बहुत ऑब्वियस है ना निशु गुप्ता गुड ओके सर कैन यू सेंड दिस पी डी एफ फ्रॉम इन फ्रॉम तमिलनाडु गणेश आर यू नॉट दे वीट क्रिएटेड टेलीग्राम ऑल्सो उसमें हम सब कुछ सेंड कर, कर चुके हैं ऑलरेडी ठीक है मैटर हूँ इसको इट वॉज अ गुड टॉपिक ठीक है इम्पोर्टेंट वन इससे मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सपेक्ट नहीं आपका समझ में आ गया होगा हम आगे बढ़ते हैं सर आफ्टर दिस फोर्टी टू फोर्टी थ्री <coughs> निशो आप मैक्सिमम मांग सकते हो लीगल से जितना वो लायबल है आई एम रिपीटिंग दिस फॉर फोर्थ टाइम आपको नहीं समझा तो आप एक बार लेक्चर बैक करके वापस देखना बिकॉज मैं बचे हंड्रेड टेन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ठीक है आगे सर अगर उन लोगों को नहीं देना है तो जयसवाल देना पड़ता है ऐसे कैसे नहीं देना पागल रूपेश जयसवाल देना पड़ेगा ठीक है बिंगल लीगल प्रेजेंटेटिव आपको देना पड़ेगा आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे जा रहा हूं सर मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसमें आपको सेक्शन नंबर भी याद करना पड़ेगा एकदम स्मार्टली मैसेज सर सपोज सी डाइड एंड इज लीगलटेटिव इन सोलेंट एंड केस तो मोहित बेड्स हो गया बेड्स अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्सॉलमेंट है इन uh, हेड भी कुछ भी नहीं हुआ तो बेड डेट हो जाएगा लैंडर का मोहित ठीक है आवी गुड प्लीज मार्क सेक्शन फिफ्टी सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी ठीक है मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एम RTP, आर टीपी पास रिपोर्ट सब मिला के बोलूँ मैं तो क्वेश्चन मैंने कम से कम तीन से चार बार देखा हुआ है मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा रिविजन करवा रहा हूँ ठीक है एज ए वह पहली बार पढ़ रहे हो प्लीज ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ ठीक है द कंसेप्ट गोज लाइक दिस सुनना Let's say, आपकी एक दुकान है ठीक है आप मैं आपकी दुकान पर आता हूं पान खाने ठीक है ध्यान से सुनना चैट बॉक्स एकदम साइड में रखता हूँ सपोज यू हैव पान शॉप ठीक है आप पान बेचते हो वहाँ पे पान सिगरेट वट एवर मैं रोज आपकी दुकान पे आता हूँ और मैं पान खाता हूँ अब सपोज तीन चार पांच दिन हो गए मैंने आपको पैसा नहीं दिया ना आफ्टर थ्री फोर फाइव डेज मैं आपको पार्ट ऑफ द पैसा देता हूं चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी एंड यू टू अंडरस्टैंड द सेम सीन जिसकी मी वन सेकेंड ठीक है मैं लिख देता हूं टाइम सेव करते हैं यार सुना एग्जाम्पल लेते हैं दिस टॉपिक इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट तो ध्यान से मैं एग्जाम्पल सुना आपको सबको समझ में आ जाएगा ठीक है लिसन टू मी केयरफुली यहां पर चैटबॉक्स में लिखा मत मुझे दिखेगा नहीं कुछ फोकस यहां पे सपोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन, दिन बनाते हैं मैं आपकी दुकान पर आया टू ईट पान ठीक है सपोज आपने मुझे पान बेचा मंडे को नाइन्टी रुपीज का ट्यूजडे को यू सोल्ड इट मी सोल्ड इट मी टू मी एट रुपीज हंड्रेड एंड टेन एंड वेडनसडे को लेट से वन थर्टी थ्री ठीक है तीन दिन मेरे पान का टोटल बिल इतना हुआ अब मैंने क्या करा आपको थर्सडे को ऑन थर्सडे मैंने आपको पेमेंट करा ऑफ रुपीज टू हंड्रेड यहां पर टॉपिक स्टार्ट होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का अब लॉ क्या बोलता है पता है सर सबसे पहला प्रायोरिटी मिलेगा डेटर को डेटर, डेटर डिसाइड करेगा कि इसको किस तरह से एडजस्ट करना है जो मेरे एग्जाम्पल के अंदर मैं डेटर था मुझे पैसा देना था आपको ठीक है आप पान वाले हो तो मेरे को लॉ मेकर ने फर्स्ट टाइम दिया है कि मैं प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करूं कि मैं इस स्टूडेंट को कैसे एडजस्ट करूं तो आई कैन से कि सर पहले आप ट्यूजडे एडजस्ट अज़े करो फिर जो बच गया उसमें आप वेडनसडे एडजस्ट करो आई कैन से दिस और आपको ऐसा पान वाला वही करना पड़ेगा वही करना पड़ेगा ठीक है सेकेंड रैंक सर अगर डेटर कुछ नहीं बोलता कि कैसे एडजस्टमेंट करना है तो सर फिर क्या करेंगे फिर क्रेडिटर खुद दिमाग लगाएगा और खुद डिसाइड करेगा किस तरह से एडजस्ट करना है अब क्रेडेटर कुछ भी कर सकता है पहले 133 एडजस्ट किया फिर बचा हुआ में से उसने 90 एडजस्ट कर दिया या बचे में से उसने ट्यूजडे वाला एडजस्ट कर दिया तो फर्स्ट टाइम डेटर डिसाइड करेगा कि एडजस्टमेंट टू हंड्रेड का कैसे होगा अपन uh, कैसे डिवाइड करेंगे उसको अगर डेटर कुछ नहीं बोलता तो क्रेडिटर के पास uh, मौका मिलेगा उसको कि वो डिसाइड करे किस तरह से एडजस्ट करना है सर सपोज डेटर ने कुछ नहीं बोला क्रेडिट ने कुछ नहीं करा अब क्या करेंगे फी फो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले मंडे सेटल होगा फिर ट्यूजडे सेटल होगा बचा कुछ तो वेडनेस सेटल होगा दिस इज प्लेन सिंपल लॉ अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है सपोज मैं आपको वन थर्टी थ्री रुपीज देता हूं वन थर्टी थ्री और मैंने आपको कुछ बताया नहीं कि कैसे एडजस्ट करना है नाउ द फिगर इज सो ऑड वन थर्टी थ्री कि वो ऑब्वियस है कि आपको पहले वेटनेस वेटनसडे एडजस्ट करना पड़ेगा ऑल तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं है पर फिर भी वो वेटनेस वेटनेसडे एडजस्ट होगा बिकॉज आपको जो मैंने पैसा दिया दैट इज वन थर्टी थ्री एग्जैक्टली द सेम जो वेटनेस डे का है ऑर्ड फिगर तो आप वेटनेस डे एडजस्ट करोगे सपोज टाइम बार डेट है सपोज टाइम बार डेट है तीन साल खत्म हो गए और लीगली uh, आप मुझसे पैसा मांग नहीं सकते फिर भी अगर मैं आपको ऐसा आके बोलूं कि नई नई पैसा ले ले तो आप ले सकते हो ये छोटे मोटे कॉम्प्लीकेशन हैं जो आपने बेसिकली समझ में आना चाहिए ठीक है अगर सारे डेट इक्वल अमाउंट के हैं तो आप प्रपोर्शनटली भी कर सकते हो ठीक है बैंक नंबर थ्री में आप प्रपोर्शनली भी कर सकते हो इतना सा लॉजिक है अब मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं आर वी क्लियर विद दिस प्लीज लेट मी नो आर वी क्लियर विद दिस समझा या नहीं समझा जियान फीफो फीफो जियान फीफो मोहित का मैसेज सर फिफ्टी सिक्स और सिक्सटी फाइव में क्या डिफरेंस है पहले कर ले 65 फाइव बनाते हैं ना आर क्लियर दिस पहला रैंक डेटर का दूसरा रैंक क्रेटर का तीसरा रैंक फीफो आर वी क्लियर विद दिस रिया आप इग्नोर कर सकते हैं उसको मनी का मैसेज है ये सर क्लियर आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑब्वियसली आर वी क्लियर विद दिस और नॉट मैसेज मेरे पास काजल गुप्ता आशी अग्रवाल आकाश प्रत्यूष रिदम समीर नकुल मयूरेश ठीक है तो मैं आगे बढ़ू इन दैट केस निया का के मैसेज मेरे पास ठीक है प्रत्यूष का मैसेज है ठीक है प्रत्यूष का तो मैसेज आ गया था जियान सर विल एडनो स्पाइरल बी इनफ फॉर लॉ हाथ जी यू कैन इट विल बी इनफ सर टाइम टाइमबर का एग्जाम्पल दे दो मोहित का मैसेज है मोहित हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मुझे आपसे पैसा लेना है और मैं तीन साल तक आपसे पैसा नहीं मांगता तो आफ्टर थ्री इस मैं लीगली मांग भी नहीं सकता मोहित ठीक है ओके रिया ओके ठीक है रित का मैसेज है क्वेश्चन पेपर मोर देन वन डिफरेंट बिटवीन क्वेश्चन कैन बी सी क्या लिखा है अमन सही क्वेश्चन पेपर मोर देन वन डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन कैन बी सी आर आस्ट मुझे समझा नहीं आप क्या लिख रहे हो प्लीज वापस से लिखो हम आगे बढ़ रहे हैं मार्क दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट नोवेशन ऑल्ट्रेशन रिसेशन ये तीन पॉइंट हमने पहले डिस्कस करे थे और, uh, का मतलब क्या होता है पुराना जाएगा नया आएगा पुराना गया नया आया नोवेशन रेसेशन में क्या था रेसेंट करना पुराना गया नया आया नहीं अब तक पर पुराना गया ऑल्टरेशन में क्या था सर कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन सर नोवेशन के अंदर पार्टीज कैन चेंज ऑल्टरेशन के अंदर पार्टीज डू नॉट चेंज ये मेजर डिफरेंस है नोवेशन एंड ऑल्टरेशन के बीच में ठीक है मार्क दिस एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आगे और दिस इज लाइक अ केक वर्क सब ईजी है सर एक्शल परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डन वन पॉइंट फोर खत्म हो गया मैं फटक चाहता हूँ वन पॉइंट फाइव के ऊपर जस्ट एक मी टू मोर मिनट्स टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिससे आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दिए एंड जहां जहां मुझे लगा रिवाइज करना चाहिए आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिया तो इससे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी हो नहीं सकती अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन फ्रंट ऑफ मी यूनिट नंबर फाइव विच इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसीपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इस पर थे क्वेश्चन भी आ चुका है प्रैक्टिकल भी आ चुका है अगर मुझे पहले से ही पता पड़ जाता है कि सामने वाला अपना परफॉर्मेंस uh, uh, नहीं करने वाला ड्यू डेट पे तो नाउ आई हैव दिन आई कैन आई गो टू द कोर्ट राइट नाउ और मे बी आई कैन वेट फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है बट अगर मैं एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस का वेट करता हूं तो इज अ पॉसिबिलिटी कि सर कुछ हैपनिंग्स uh, हो जाए एंड कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाए तो आई शुड नॉट वेट मेरे को तुरंत उसको सूख कर देना चाहिए ठीक है ऐसा आपने कुछ पढ़ा होना चाहिए यहाँ पे एंटीसिपेटेड एंटीसिपेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट आगे मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल डैमेजेस

तू ने अपना परफॉर्मेंस नहीं करा तो मुझे इतने का लॉस हो जाएगा आपने बता रखा है तो आप उसे वसूल कर सकते हो स्पेशल डैमेज नहीं बता रखा तो आप सिर्फ रिकवर कर सकते हो ऑर्डिनरी डैमेज विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट जनरल डैमेज एंड स्पेशल डैमेजेस ठीक है विडनिक ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल भी ठीक ठाक सही है आगे बात करते हैं ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट हेडली बैक्सेंडल इज मार्केट इंपॉर्टेंट क्वांटम रिट हमने डिस्कस पहले स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया इसको मैंने लास्ट यूनिट पर आ गया सर में विच इज वन पॉइंट सिक्स इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है दो 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 इंपॉर्टेंट है प्लीज जो मुझसे पूछा ना थेरी क्वेश्चन बताओ सर ये थे क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ अ कंटीजन कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स ऑफ अ कंटीजन कॉन्ट्रैक्ट Hmm, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है पास में एग्जाम सेलें सेलें में सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉसि कॉन्ट्रैक्ट सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉसि कॉन्ट्रैक्ट पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तीन पॉइंट्स है तीनों को याद करने मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग उसे पढ़ चुके हैं उनको आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा पता है क्वेश्चन था ग्रैंड मदर वाला क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इन केबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग जो हमने माइना में भी पढ़ा था माइना से कनेक्टेड ये यहाँ पे बी किसी को याद है वो क्वेश्चन एक छोटा बच्चा होता है माइनस सत्रह साल का उसकी एक दादी होती है एंड uh, दादी के भी खर्चे होते हैं और माइना के भी खर्चे होते हैं ठीक है ऐसा एक क्वेश्चन था एंड द प्रोविजन वॉज दोनों का खर्चा देना पड़ेगा आपके लिए किसी ने खर्चा करा था तो उसको रिपे करना पड़ेगा आपको दोनों का पैसा ठीक है क्वेश्चन याद है कि नहीं है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है या नहीं है आई थिंक आर में था ना आरटीपी एमटीपी में देखा था इसको मैंने एनीवन रिकॉर्स दैट क्वेश्चन रिया का मैसेज है यस yes सर करके बाकी कोई याद नहीं है हाँ डिपेंडेंट वाला आकाश यस आकाश यस डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन वो यही तो है मैत्री को याद है वेरी गुड निया वेरी गुड प्रथम को याद है मोहित को याद है ठीक है पांच लोगों को याद है सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ इनोवेट नोट्स हां नीरज मैंने टाइप करवाया था उसको काजल को याद है वैभव को याद है नेबर स्पेंड्स देन देन यस वेरी गुड पंद्रह लाख अमाउंट था हाँ शायद पंद्रह लाख अमाउंट था पंद्रह लाख था हाँ कल का वैसे सर ये ग्रैंड मदर के मेडिकल के भी खर्चा था और उनके नेसरीस का भी था वेरी गुड कल्पना वेरी गुड सर इफेक्ट्स एंटीसिपेटेड बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बार ना स्पेशल केस लॉ में करवाया था जी 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 कुछ भी नहीं है एंटीसिपेटरी के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है क्या तो आप अभी का भी उसको सू कर दो या एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस में जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तब सू कर दो तो दोनों आप पास तो दो दो ऑप्शन है प्रेफरेबल ऑप्शन है आपको अभी सू कर देना चाहिए बिकॉज हो सकता है एक्चुअल डेट के आने तक बीच में कुछ और्थ कर, और्थ कर, और्थ कर, कुछ आ गया और कॉन्ट्रैक्ट प्वाइंट हो जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते ठीक है हाँ सर याद आ गया माशाला आगे बात करते हैं फिर इंपॉर्टेंट था हाइगे

से थियरी क्वेश्चन किया तो फाइन है शाह के पास अगर टाइम नहीं है तो इट्स फाइन आपके पास टाइम है आपको आता है अगर तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एम टी पी आर टी पी सारी देख लेनी चाहिए ठीक है जिसका मेजर डर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो मैंने खत्म करवा दिया अब मैं चाहता हूँ कि आपने डाउट्स पूछिए यस सर स्टार्ट वन बाय वन योर डाउट्स या आप चाहते हो कि मैं ऐसे करके बाकी चैप्टर स्वीक करवा दूँ फटाक से प्लीज लेट मी नो जैसा बोलोगे वैसा करेंगे जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे शायद पिकअप नेक्स्ट चैप्टर इसी तरह से एंड आपको उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताता चाहू मैं आप बताओ वैसा करेंगे अपन सर रूल सेटिंग टू एनफोर्समेंट पे क्वेश्चन आया है कम इंपॉर्टेंट है केस लॉ में था ओके ठीक है हम एक ही करके खत्म करें फिर आओ 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 हमने ऊपर किया आपके सामने पार्टनरशिप जल्दी से ओपन करो पार्टनरशिप आपको याद करना है ये लाइन भी और ये सेक्शन नंबर भी आपको ये लाइन भी याद करनी है आपको सेक्शन नंबर भी याद करना है सेक्शन नंबर फोर विस इज सर बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी द आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप अपनी बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता इट इज दिस

पांच एलिमेंट्स हैं। थेरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अब मैं इसके बाद कंपनी ठीक है? डोंट सो दिस वाज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली आगे बात करते हैं डिस्टिंग्विश पेपर अगर इजी आता है तो वो पूछा जाता है बाकी डिस्टिंग्विश नहीं पूछते वो लोग अगर पेपर इजी आया तो दे विल आस्क यू मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में भी बताया था मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था पार्टनरशिप विल वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर सेवन हमने ऐसा को डिस्कस किया था अगर पार्टनरशिप विल है तो अगर चलती है तो चलती ही रहेगी नहीं तो पता पड़े अभी बंद हो गई ठीक है चला तो लंबा चला नहीं तो बंद हो गया सेक्शन नंबर सेवन नाम में लिखा है सर एट विल कोई एक पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे बोल सकता है कि भाई अपने को धंधा बंद करने का है और बंद करना पड़ेगा दैट इज़ पार्टनरशिट विल वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वेरी इंपॉर्टेंट करता हूँ फटाक से ठीक है आपका रिकॉल हो जाएगा आपका टाइम सेव हो जाएगा सुनना अगर कोई एक्टिव पार्टनर है एक्टिव पार्टनर और अगर रिटायर हो रहा है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा अगर एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट पर नोटिस नहीं दिया तो ही कंटिन्यूस टू भी लाइबल जब तक उसने नोटिस ना दे दिया हो सिंपल सर गवर्नमेंट पार्टनर को नोटिस नहीं देना पड़ता नॉर्मल पार्टनर पर आते हैं एक ऐसा पार्टनर जिसने अपना नाम लैंड करा है फॉर्म को क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए फॉर्म की ठीक है उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता हां वो लायबल रहता है जस्ट लाइक अदर पार्टनर्स ही रिमेन्स लाइबल टू द थर्ड पार्टीज पर उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि उसको इनिशियली कुछ पैसा दे दिया जाता है उसका नाम लेने के लिए ठीक है फॉर्म साथ जोड़ने के लिए दैट इज नॉमिनल पार्टनर वेरी इजी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्वियसली सेक्शन ट्वेंटी एट ढूंढ रहा हूं मैं कहाँ गया ये रहा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट दिस इज वॉर आई सर्चिंग फॉर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है ऑलमोस्ट आप समझ लो हर एग्जाम में आता ही है मैं रिकॉल करवाता हूँ दो चीज़ें हो सकती है मैं किसी फॉर्म के अंदर पार्टनर नहीं हूं पर मैं चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बोल रहा हूं कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर मैं इस फॉर्म में पार्टनर मैं इस फॉर्म में पार्टनर मैं, मैं हूँ नहीं पर मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रहा हूँ अब मेरे इस बोलने के भरोसे के ऊपर किसी ने फॉर्म के साथ कोई डील कर ली और फॉर्म को पैसा देने का लाइबिलिटी आ गया आई ऑल दो नॉट रियली बींग अ पार्टनर बिकम्स लायबल इसी को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो मैंने झूठ बोला था अब मैं उस बात से मुकर नहीं सकता ना मुझे पार्टनर कंसिडर कर लिया जाएगा और मुझे लाइबिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सर प्रॉफिट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा कभी भी आप झूठ बोल रहे हो ना प्रॉफिट क्यों मिलेगा पर अब लायबल उतना ही होगा जितने बाकी पार्टनर्स हैं सेकेंड केस क्या हो सकता है सर आप कुछ नहीं बोल रहे हो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई पार्टनर बोल रहे हैं झूठ झूठ कि आप पार्टनर हो उसकी फॉर्म में जबकि आप हो नहीं पर वो झूठ बोल रहा है ये सुनकर भी आप चुप बैठे हुए हो ये सुनकर भी आप चुप बैठे हुए हो इन दैट केस अगेन अगर किसी ने विश्वास कर लिया उसकी बात पे और आप चुप रहे तो आपकी लाइबिलिटी अगेन अराइज हो जाएगी जस्ट लाइक अदर पार्टनर्स तो दो केस बन सकते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आप चुप बैठे हुए हो इन बोथ द केसेस आपको मान लेंगे कि आप पार्टनर हो आर वी क्लियर नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेक्शन ट्वेंटी एट नंबर भी याद रखना है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझा या नहीं समझा मैं वेट कर रहा हूँ सर प्लीज लेट मी नो समझा या नहीं समझा मैं वेट कर रहा हूँ सर आर वी क्लियर विद दिस हाँ हाँ मन, आपका मैसेज सही है विजय बी सी ऑलरेडी हो गया है नहीं प्रत्युष सेकेंड केस में प्रॉफिट में आपको कभी हिस्सा नहीं मिलता प्रतीष आई होप यू आर क्लियर अमन आई होप यू आर क्लियर विजय आई होप यू आर क्लियर ये समझा य नहीं समझा सेक्शन ट्वेंटी एट वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई बताना पड़ेगा आपको योर अंडरस्टैंडिंग विद सेक्शन ट्वेंटी एट मेक इट वेरी फास्ट मैसेज मेरे पास uh, मनहिर का काजल का आकाश का रिया का uh, मैत्री का समीर का uh, रिदम जैन करके है कोई उसका मैसेज मेरे पास आगे बात करते हैं सर प्रतीष का मैसेज है ठीक है ठीक है ठीक है नीचे कुछ नहीं है ठीक है नीचे कुछ नहीं है पीयूष का मैसेज है श्रद्धा का मैसेज है प्रत्युष का मैसेज है कल्पना का मैसेज है कल्पना बोलती सर जो चुप रहा उस टाइम वो भी पार्टनर एस्ट्रोफेल होगा ना हाँ कल्पना वही तो डिस्कस कर रहे हैं ईशान का मैसेज है ठीक है माशाल्लाह आगे बात करते हैं सर किसने मुझसे सेक्शन थर्टी uh, थ्री पूछा था मुझे उसको सेक्शन थर्टी थ्री बताना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो बाकी लोग भी प्लीज़ फोकस करना मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना वो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं आपको आज वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड ओके okay, uh, नकुल अथर्व नीरज रुद्रा संदीप सबका मैसेज है क्लियर 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 ठीक है मयूरेश एक बार लेक्चर uh, पीछे देख के uh, वापस से देख लेना वीडियो को ठीक है बाकी लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते रिपीट करने में ठीक है आज टाइम नहीं है रिपीट करने का आज एवरी थिंग इज एवरी मोमेंट सेकेंड इज इंपॉर्टेंट मैंने पानी नहीं पिया भाई अब तक ठीक है पीऊंगा भी नहीं फोकस करते हैं पानी पीऊँगा टाइम वेस्ट होगा फोकस करते हैं लेट मी फाइंड आउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू या वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज फोकस करें यहां पे सेक्शन नंबर ठीक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी था नहीं जा सकता कहीं पे काम करने से, या छोड़ के जाने से जिसको जहां पे जाना है जब जाना है वो जा सकता है ठीक है is is. Uh, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइल्ड होते हैं ठीक है पार्टनरशिप क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट में तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो बोलते हैं ना भाड़ में जाए हम हमारे पार्टनर को बोल सकते हैं कि भाई तू तो कहीं और जाके पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर मत बन तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है दैट इज अलाउड आगे बात करते हैं तो ये देखा हमने ठीक है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इजी म्यूचुअल एंड लाइबिलिटीज एक बार पढ़ लेना सर प्लीज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको आना चाहिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इजी मैं रिवाइज करा देता हूं सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में बेसिकली होता क्या है तीन चीजें आती है एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स दूसरा जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने धंधा करके जो पैसा आया था उससे कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी अगेन दैट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वन इज गुडविल ठीक है तो तीन चीजें मिला के बेसिकली हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है सेक्शन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है ट्रांसफर वाला पॉइंट आने तो दो यार वेरी इंपॉर्टेंट दिस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली विच इज दिस सेक्शन नंबर नाइनटीन लास्ट क्लास में किया था तो से नहीं कर रहे इजी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ठीक है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ट्रांसफरी से बेसिकली कौन हुआ सपोज एक पार्टनर ने Uh, कहीं से लोन लिया था तो उसने अपना जो पार्टनरशिप का स्टेक था वो किसी को गिरवी रख दिया ठीक है मतलब जो प्रॉफिट्स पहले पार्टनर को मिल रहे थे वो पार्टनर को नाम मिलकर उस बैंक को मिल जाएंगे जहां से पार्टनर ने लोन लिया था तो सपोज थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी सी ने कहीं से लोन लिया अब सी को uh, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को अब सी ने क्या करा अपना जो स्टेक था पार्टनरशिप का उस पर जितना भी उसका uh, राइट था ठीक है वो उसने बैंक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया तो जो पहले प्रॉफिट सी को मिल रहा था अब वो बैंक को मिलेगा ठीक है तो बैंक को बोलेंगे ट्रांसफर ही अब बैंक के पास सिर्फ एक हक है कि वो प्रॉफिट रिसीव करेगा फ्रॉम दार्टनरशिप फॉर्म जो सी को मिल रहा था बैंक को मिलेगा वो उसका राइट है तीन राइट्स नहीं है सर कौन से नहीं है पहला सर बैंक आके ये नहीं बोल सकता कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना है या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट देखने हैं या मुझे डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है तीनों अलाउड नहीं है तो जो ट्रांसफर ही है मतलब जो मेरे एग्जाम्पल में जो बैंक है बैंक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख नहीं सकता मांग नहीं सकता इंस्पेक्ट नहीं कर सकता और ना ही पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर उसके पास सिर्फ एक ही राइट है विच इज टू रिसीव द प्रॉफिट्स जो सी को मिलने वाले वो उसको मिलेंगे दैट इज सेक्शन ट्वेंटी नाइन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वापस एक बार डिस्कस कर लिया बिकॉज वो है इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन थर्टी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हमने किया था लास्ट क्लास में डिस्कस थर्टी थ्री पे आना है मुझे थर्टी थ्री में कुछ बताना है आपको हाँ यहां पे फोकस करिएगा सर डायग्राम आप कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लीजिएगा दिस विल हेल्प यू लॉट अगर किसी पार्टनर को मुझे एक्सपर्जन मतलब लात मार के निकालना है तो उसके अंदर तीन प्रोविजन दिए हुए हैं लॉ के अंदर थर्टी थ्री के अंदर याद करना कितना ईजी है थ्री एंड फर्दर थ्री तीन तीन पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको मतलब गुड फेथ के अंदर फर्दर थ्री पॉइंट्स हैं तो याद करना कितना है थी थी। क्या आपको किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है, निकालना है तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पार्टनरशिप डीट में लिखा होना चाहिए कि की पावर है दूसरा मेजोरिटी पार्टनर्स इस बात को अग्री करने चाहिए कि पार्टनर को निकालना है। ये जो पार्टनर को अब, अब गुड फेथ का मतलब क्या होता है सर इट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म मतलब उसको पार्टनर को निकाल के फॉर्म का फायदा होना चाहिए ठीक है दूसरा जिसको आप निकाल रहे हो उसको आपको एक नोटिस देना पड़ेगा किशन थर्टी थ्री थ्री एंड थ्री हाँ भाई बहुत तो बात की बात है अगर रिजोल्यूशन हो रहा है तो, तो बैंक आके ट्वेंटी बैंक आके बोल सकता है कि मुझे अकाउंट्स इंस्पेक्ट भी करने हैं इजी है वो तो आगे बात कर रहे हैं सर यानी डायरेक्ट नंबर टू आस्क डाउट हर्षल हमारे पास एक ऐप है एडनोवेट की बहुत प्यारी आप उसमें अपना डाउट छोड़ सकते हैं हम उसको सॉल्व दिन रात बैठ के सॉल्व करते रहते हैं ठीक है आपके सारे डाउट रिया हां अभी जो तो टाइम जितना टाइम अपने पास है आई वुड से एडनोवेट के स्टडीज आर मोर देन इनफ मैंने ही बनाया उसको बैठकर अराउंड थ्री डेज ठीक है पर अभी टाइम नहीं है तो उसको आप कर सकते हो यस ठीक है पार्टनरशिप डन लास्ट यूनिट पे आता तो हूं मैं इसके यूनिट नंबर थ्री मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन और सिक्सटी नाइन पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन अब देख एग्जाम का क्वेश्चन है मैम ऐसे मतलब आपको अनइम्पॉर्टेंट uh, टॉपिक की बात ही नहीं कर रहा एग्जाम का क्वेश्चन है कि सर आपको अगर अपनी फॉर्म को रजिस्टर करवाना है तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है तो आपको बेसिकली जो रजिस्ट्रार है उस एरिया का जो रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रम है उसको आपको कुछ बातें बतानी पड़ेगी सर कौन सी बातें बतानी पड़ेगी आपको फर्म का नाम क्या है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है कई और के ब्रांचेस है तो वहां का नाम आ, कौन सा पार्टनर ने किस डेट को फॉर्म को ज्वाइन किया था ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म क्या है एंड पार्टनर्स एड्रेसेस ये आप सेंड करोगे एज अ पार्टनरशिप फॉर्म टू द रजिस्ट्रार सेक्शन 58 के अंदर 59 के अंदर वहां से आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो चुकी है और एक बार रजिस्टर हो जाती है तो आपके नाम के पीछे पार्टनरशिप फॉर्म के नाम के पीछे आपको लगाना पड़ेगा वर्ड ब्रैकेट में रजिस्टर्ड तो 58 एक बार एग्जाम आ चुका है आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं से रिकॉर्ड करवा देता हूँ वापस से रिकॉर्ड करवा देता हूँ अगर मेरी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर पार्टनर को सु नहीं कर सकता फॉर्म बाहर वाले को सु नहीं कर सकता बाहर वाला मेरे ऊपर शू कर सकता है एंड सेट ऑफ़ नहीं कर सकते ठीक है सौ रुपये या उससे ज़्यादा का जो भी अमाउंट है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते ठीक है सो so हमने लास्ट क्लास में किया था उसको ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आगे बात करते हैं हाँ महानी आप बोल सकते हो पार्टनरशिप का एम ओ ए जैसा कुछ या यू कैन से सो सर प्लीज़ पी डी एफ सेंड करो ना केस लॉ की कस्टडी हमने करा था आप फिर भी बार ग्रुप में प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कर देना आपको चाहिए वो नोट्स तो वापस से रीसेंड कर दिया जाएगा ठीक है

बेसिकली हेल्प यू रिमेंबर ऑल दी सेवन पॉइंट्स जो दिए हुए कोर्ट के अंदर एग्जाम में थे पंप की बात करेंगे पंप के अंदर पहला पी हो गया परमानेंट इनके यू हो गया अनसॉन माइंड एम हो गया मिसकंडक्ट पी हो गया परसिस्टेंट बीच ऑफ अग्रीमेंट तो डिजोल्यूशन बाई द कोड के अंदर जो हमारा कोड है पाई पंप उसके अंदर पंप हो गया आई रिपीट परमानेंट इनकैपेसिटी ठीक है से जो पार्टनर है है। उसको हो गया। ठीक उसके एक्सीडेंट में दोनों हाथ दोनों पाव कट गए पीस पर्सन ए बीच ऑफ अग्रीमेंट पाई के ऊपर आता है M, peace, सर पी आई -E, पाई के ऊपर आते हैं परपेचुअल लॉसेस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड मिस इक्विटेबल ग्राउंड तो पाई पंप से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ये uh, क्वेश्चन जो एग्जाम आ चुका है ऑब्वियसली एंड जो एक थे क्वेश्चन है ठीक है सैम आप प्लीज मैं लेक्चर देख लो uh, हो जाना चाहिए काफी कुछ आपका क्लियर ठीक है आगे बढ़ते हैं दिस वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से मोरू सेटलमेंट अगेन समथिंग इजी डिस्कस कर लेता हूँ सर सबसे पहले हम चुकाएंगे भारायबिलिटी ठीक है आउटसाइडर लाइबिलिटी फिर हम चुकाएंगे इन साइडर अगर किसी पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया था तो हम उसका लोन चुकाएंगे फिर कुछ पैसा बचा हम तो उससे उस हम चुकाएंगे बेसिकली कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड लास्ट में कुछ बच गया तो डिवाइड करेंगे प्रोफिसिंग रेशियो के अंदर हमारा पार्टनरशिप भी खत्म हो गया सर सी टू बेसिकली वन एंड आवर्स टू फिन पार्टनरशिप एज वेल एज कॉन्ट्रेक्ट एक्ट मैं बिना टाइम वेस्ट करे भाग रहा हूं फटाक से कंपनीज एक्ट के ऊपर और आपको आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जल्दी जल्दी फोकस करना सर प्लीज ठीक है वीडियो लाइक नहीं करता तो लाइक कर दो यार वन एंड हाफ आवर्स के अंदर बेशर्मो मैं तुमको पूरा का पूरा रिवाइज करके दे रहा हूं पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बी उसके बाद अभी पार्टनरशिप ने खत्म करा इनकेस आपने वीडियो लाइक नहीं करा तो अब तक लाइक कर दो प्लीज आई कैन सी ओनली वन ट्वेंटी एट लाइक्स ठीक है <coughs> लाइक नहीं तक तो आपको लाइक कर देना चाहिए सर मेरे हिसाब से पानी भी नहीं पिया पार्टी में भी नहीं गया ठीक है किसी के बाहर के किसी के घर से मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो आई थिंक एक लाइक तो बनता है आपको वीडियो लाइक कर देना चाहिए होपफुली कम रिजेक्ट पर आ गया सर मैं फटाक से लिफ्टिंग ऑफ ट व्हील के अंदर मार्क डेंशो माइची पेटेट वाला केस एज वेरी इंपॉर्टेंट डेंशो माइजी पेटेट वाला केस तो एज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिफ्टिंग ऑफ कॉपोट व्हील ठीक है हां यहां पे इंपॉर्टेंट आता है सर टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है वन पर्सन कंपनी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर इसमें थर्टीन पॉइंट्स है मैं बिना देखे बोलूँ थर्टीन पॉइंट्स बिना स्लाइड चेंज करें पहला पॉइंट बोलता है सर ओनली वन पर्सन एज है दूसरा पॉइंट बोलता है मिनिमम पेड मिनिम शेयर कैपिटल नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड तीसरा पॉइंट बोलता है एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा चौथा पॉइंट बोलता है नॉमिनी का प्रा रिटर्न कंसेंट होना चाहिए फिर उसके बाद वाला पॉइंट बोलता है सर आप नॉमिनी खुद को कभी भी रिमूव कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट है सर हम नॉमिनी को कभी रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एट सर नॉमिनी का हटना या हमारा हटाना इट इज नॉट अ ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है ओनली अ नेचुरल पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर आर नॉट रेसिडेंट कैन बिकम नॉमिनी ऑफ द ओपीसी एंड कैन बिकम मेंबर ऑफ द ओ पी सी ठीक है तो नेचुरल पर्सन होना जरूरी है सिटीजन होना जरूरी है रेसिडेंट हो या ना हो इट इज ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट सर एक पार्ट एक पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक ओपीसी के अंदर मेंबर बन सकता है एंड उसी टाइम किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है मतलब वन पर्सन कैनॉट बी मेंबर ऑफ टू ओपीसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड क्स्ट पॉइंट सर माइंड में किसी भी कैपेसिटी के अंदर ओपीसी से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता ना नॉमिनी और ना मेम्बर सर ओपीसी ना ही कन्वर्ट हो सकता है ना ही इनकॉर्पोट हो सकता है एज सेक्शन एट कंपनी सर ओपीसी काम नहीं कर सकता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का लास्ट पॉइंट नो इज पेनल्टी टेन थाउजेंड एंड वन थाउजेंड तो बिना ओपन करें मैं आपको एक्जैक्ट उसी सीक्वेंस में जिसमें बुक में लिख हुआ है मैं सारे पॉइंट्स बोलती है ओपीसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मस्त वाला यहां से प्राइवेट कंपनी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी स्पेशली इसका जो सब क्लॉस टू है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं उसके जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि सर आप करंट एंप्लॉज एंड मेंबर्स पास्ट एंप्लॉयज एंड मेंबर्स को काउंट नहीं करोगे जॉइंट शेयर होल्डर को आप एक काउंट करोगे मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल कंपनी प्लीज मार्केट इंपॉर्टेंट स्मॉल कंपनी प्लीज 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 मार्केट इंपॉर्टेंट फोर करोड एंड फोर्टी करोड आपको एग्जाम लिख कर आना है आपकी बुक में लिखा होगा टू एंड ट्वेंटी डजन मैटर आपको एग्जाम में लिखना है फोर एंड फोर्टी फोर करोड़ पेड ऑफ शेयर कैपिटल एंड टर्न ओवर्स फोर्टी करोड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्लीज पढ़ के जाना होल्डिंग सबसे बेसोश आई थिंक इज इजी गवर्नमेंट मार्केट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट माफ करिए प्लीज गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट माफ करिए प्लीज फट कंपनी ठीक है सेक्शन एट इंपॉर्टेंट सेक्शन एट इंपॉर्टेंट प्लीज 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 सेक्शन एट इंपॉर्टेंट माफ करिए प्लीज आगे टॉमि कंपनी ठीक है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पी एफ आई ओके नॉट वेरी इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स ठीक है डॉक्टर ऑफ अल्ट्राय वेरी इंपॉर्टेंट केस आपने एक जन ने पूछा सर डॉक्टर समझा दो प्लीज हमने इससे पहले जो तो लेक्चर लिया था आई थिंक उसके अंदर हमने सारे डॉक्टर समझाया था आपको स्क्रैच से फ्रॉम जीरो तो जो भी डाउट्स है हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर तो इसको डॉक्टरिन के अंदर डाउट है मे बीट मेट बी अल्ट्रावास मेड भी इंडो मैनेजमेंट मेट बी एक्सेप्शन ऑफ इंडो मैनेजमेंट आपको देख लेना चाहिए मेरा वो लेक्चर आके जो आपको तीन दिन चार दिन पहले का मिल जाएगा ठीक है प्लीज वॉच इट फ्रॉम देयर ऑल द डॉक्टर कुछ भी नहीं है और खत्म तो आप आपको मैंने ओपीसी uh, बोला इंपॉर्टेंट आपको मैंने स्मॉल कंपनी बोला इंपॉर्टेंट आपको मैंने सेक्शन एट कंपनी बोला इज इंपॉर्टेंट ठीक है और आपको मैंने एक दो केसेस इंपॉर्टेंट है, है ये अच्छे से करके जाइएगा एंड इवन आपको कर लेना चाहिए होल्डिंग सब्सिडी का भी डेफिनेशन अच्छे से एक बार स्पेशली सब्सिडी का डेफिनेशन आपको कर लेना चाहिए कदम एल में क्या इंपॉर्टेंट है आई थिंक आपको मैं लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी बता चुका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं सर फटाक से लास्ट चैप्टर डन विद लेक्चर एंड आपके डाउट्स लेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं मैं हूँ सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर लेट मी कम टू एनीथिंग विच आई फील इज इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ गुड्स मार्केट इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है डेफिनेशन ऑफ गुड्स अगेन डिलीवरी ऑफ गुड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक प्लीज मार्केट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन के लिए आपको मैं पहली बार बोल रहा हूं कि कोई डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है पहली बार मैंने बोला इट इज दिस वन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल पहली बार आपको मैंने बोला लेक्चर स्टार्ट होने से लगे अब तक कि भाई ये वाला डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है मार्केट इंपॉर्टेंट सेल वर्स इज अग्रीमेंट टू सेल सेल हायर परचेज आप, आप रीड कर सकते हो like ठीक है इट इज लाइक वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट बाकी ठीक है सेल हायर परचेस भी करिएगा ठीक है सेल एंड हायर परचेस भी आपको देखना है एक बार बेशर्मो लाइक कर दो वीडियो को इट इज नॉट इवन टू आवर्स और मैंने आपका एटी परसेंट सिलेबस रिवाइज करवा दिया इंपॉर्टेंट भी बता दिया बेशर्मो लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो आई कैन स्टिल सी ओनली वन फोर्टी लाइक्स लाइक्स में भी कंजूसी आने बोलो हद हो गई मतलब आई कैन स्टिल सी वन फोर्टी लाइक्स जस्ट वन फोर्टी लाइक्स नंबर टू ओपन किया मैंने विच इज ऑब्वियस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्पेशली उसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज आपको मार्क लेना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट येड कंडीशन इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसमें बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर हमें समझ में नहीं आता डिस्क्रिप्शन uh, वाला पॉइंट ठीक है सेल बाय सैंपल समझ में आता है कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता देख जब कोई स्पेशल मैंशन हो ना कि मुझे uh, कश्मीरी सिल्क आई डोंट नो कश्मीर में सिल्क होता है कि नहीं होता है ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि मुझे कश्मीरी सिल्क वाला साड़ी चाहिए नाउ दैट इज डिस्क्रिप्शन मैं किसी को बोलता हूं कि मुझे जैगवार का हैंडपंप uh, चाहिए तो फिर जैगवार का हैंडपंप तो डाउट नहीं होना चाहिए कि सर वट इज एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन तो आप स्पेसिफिक कोई ब्रांड या स्पेसिफिक कोई कैटेगरी मेंशन करते हो उसको हम बाय डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ठीक है थेके? बाकी तो आई थिंक बहुत सिंपल है सैंपल आई थिंक सबको समझ में आता है ठीक है फिर भी आपको लेट से जैसे मैं मेरे कज़िन की शादी है अभी फोर्थ फेब को तो हम लोग ऐसे ही केटरिंग वाले के यहाँ पे जा रहे हैं तो मैं कोई केटरिंग की दुकान पर गया एंड वहाँ पे मैंने उसको बोला कि भाई मुझे प्लीज़ आप आ, एक डिश टेस्ट करवाओ रसगुल्ला ठीक है अब उसने जो रसगुल्ला दुकान पर दिया उसके अंदर सर काजू पिस्ता बादाम सा ऊपर लगा हुआ था केसर वेसर था एकदम फ्लफी जूसी एकदम अच्छा रसगुल्ला था तो हमने उसको ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई जब शादी होगी है मेरे कज़िन की चार फरवरी को तो आप केटरिंग में आप रसगुल्ला भेज देना नाउ इट इज हंड्रेड परसेंट श्योर कि सर इट शुड मैच सैंपल के साथ जो एक्चुअल भेजा एंड इफ इट डे डेज रिकवर कर सकता हूं ठीक है सारे तो ईजी अगेन सेल बाय सैंपल सेल बाय डिस्क्रिप्शन को बता दिया कंडीशन इज ऑब्वियसली मोस्ट इजीएस्ट वन आपको जो सामान बेच रहा है उसका मालिक होना चाहिए दट इज वेरी ऑब्वियस वो आप मान के चलोगे ठीक है स सिर्फ यूज होता है फूड के साथ तो इन केस इनकेसर नॉट वेरी मच क्लियर विद सर होलसमनेस और मर्चेंडिटी में डिफरेंस बताओ होलसमनेस हम जनरली यूज करते हैं फूड के साथ ठीक है बेसिकली बिकाओ आप किसी को ऐसे कुछ खराब माल नहीं दे सकते ठीक है तो वेरी इजी इंप्राइड कंडीशन इंप्राइड वारंटी के ऊपर अगेन थे क्वेश्चन आ चुका है uh, तो आपको इंप्राइड वारंटी कर लेना चाहिए जो आपको ईजी लगना चाहिए बिकॉज चार में से दो पॉइंट तो ऑलमोस्ट रिपीट जैसे ही है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आई थिंक इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बहुत डीप में वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड उसके मैंने ओपन करा इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये रहा सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री मिल गया मैं ढूंढ रहा था मार्क दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट मतलब मैं काउंट करते करते थक गया कि एग्जाम में कितनी बार आ चुका है एम टी पे आर टीपी में कितनी बार आ चुका है मैं काउंट करते करते आई लॉस्ट माई काउंट प्लीज मार्किट वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ अनअरसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन उसके एसेंशियल्स क्या है तो सर कितना है पहले तो हम जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात कर लेते हैं सर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ अनसर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स ठीक है क्योंकि उस टॉपिक की बात कर रहे हैं दूसरा जो हमने अभी भी पढ़करा है द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी शेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ये दो तो आसान पॉइंट हुए फिर द गुड्स मस्ट बिन डिलीवरेबल स्टेट मतलब सामने वाला आए उसको उठा के ले जाए डेबल स्टेट पॉइंट के ऊपर आपके अगले दो पॉइंट बन जाएंगे आपने अप्रोप्रिए वर्ड पढ़ा अब देख यहां पर मेड बाय भी उसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे बिफोर आफ्टर दिएशन तो मुझे खाली वो क्लिक हो जाए पॉइंट अगर विच इज माई पॉइंट नंबर डी द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड वो वर्ड से आपके असेंट असेंट केसेंट असें चालू हो जाएगा तो एंड नंबर ऑफ टाइम एग्जाम आ चुका है सर अगेन टेलिंग यू मैं रिवाइज वापस से कि सर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो वही पॉइंट है के अंदर दे इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स क्योंकि हम की बात कर रहे हैं दूसरा मैच करना चाहिए सर डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी ठीक है डायरे सेट में होना चाहिए आया आया लिया और चला गया अनकंडीशनल अप्रोप्रियट मतलब हमने पढ़ा था ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ठीक है वैसा कुछ कि बिना कोई कंडीशन के इट शुड बी अप्रोप्रिएटेड अब अप्रोप्रिएशन कैसा होगा असेंट 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 द सेलर विद असेंट ऑफ बायर बाय विद असेंट ऑफ सेलर असेंट में भी भी इंप्लाइड असेंट में बिफोर आफ्टर द अप्रोप्रिएशन वेरी इंपॉर्टेंट होपफुली आपने मार्क कर लिया होगा आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का थे क्वेश्चन है ठीक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स एग्जाम का थे क्वेश्चन है प्लीज मार्केट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन उसके आई थिंक हैज बीन आज ट्राइस इन द एग्जाम वापस से बार आने के प्लीज मार्केट इंपॉर्टेंट आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो मुझे लग रहा है रिवाइज करवाना चाहिए रिवाइज भी करवा रहा हूं ठीक है इससे ज्यादा बेनिफिशियल एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं हो सकता तो प्लीज टिक करिएगा एक्सेप्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो जनरली ओनर ही कर सकता है तो नॉन ओनर भी कर सकता है ठीक है मतलब वो में आ गया नेमो नॉन का एक्सेप्शन नॉन ओनर कैन कन्वे अ गुड टाइटल ठीक है उसके ये आपको कुछ आठ पॉइंट्स देखें आपको एग्जाम में सात लिख कराने होते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है खत्म टू पॉइंट फोर ओपन करता हूँ मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देख मैंने कुछ लिखा है यहां पे आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैं वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूं अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल के साथ यहां मैं लिखा हुआ है कि सर मैंने किसी को माल बेचा उसे मुझे पैसा नहीं दिया बिल्कुल नहीं दिया या आधा दिया अधूरा दिया या चेक दिया चेक बाउंस हो गया तो मुझे अनपेड सेलर बोलेंगे अब अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं ठीक है अगेंस्ट द दैन अगेंस्ट द गुड्स अब उसके अंदर राइट्सिंक इंपॉर्टेंट एक uh, याद नहीं आ रहा तो देख लीन कब होता है मैंने किसी को सामान बेच दिया ठीक है uh, बिल बन गया ठीक है उसमें पैसा देना बाकी है और मेरा उसको घुड़ देना बाकी है कॉन्टेक्ट हो गया जैसे मैं क्रोमा में गया जाके में जाकर अपन टीवी परचेस करते हैं तो टीवी का पैसा दे देते हैं ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है ऑल दो टीवी पड़ा होता है क्रोमा के ही पास ठीक है वैसा कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सर आपने आ, क्रोमा वाले को आधा पैसा दिया आधा पैसा देना बाकी है और क्रोमा वाला आपको टीवी भेजने वाला है ना मेन वाला आपको पता पड़ता है आ, क्रोमा को पता पड़ता है कि आप पैसा नहीं देने वाले तो क्रोमा क्या करेगा राइट ऑफ लीन उन गुड्स को अपने पास ही रखेगा अपने कब्जे में रखेगा तो उसको लीन क्यों बोल रहे हैं सर क्योंकि लीन का मतलब होता है किसी और की प्रॉपर्टी का लीगली लॉफुली अपने पास कर रखना सपोज क्रोमा ने टीवी भेज दिया रस्ते में है टीवी एंड फिर क्रोमा को पता पड़ा कि आप इंसोलेंट हो चुके हो तो आता है सेकेंड राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए पहली बात तो क्रोमा के पास से वो गुड्स चला जाना चाहिए ठीक है दूसरा इट शुड बी इन ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट में होना चाहिए तीसरा सामने वाला इंसॉलेंट होना चाहिए एंड चौथा एज पर लॉ हम उसको वापस बुला सकते हैं ठीक है कंडीशनल नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये सब आ जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट या राइट्स ऑफ अगेंस्ट द गुड्स यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स इन देयर ए बी सी डी मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा अभी अभी डिस्कस किया रहा मैंने आपके साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टॉपेज़ इन ट्रांसिट कब हो सकता है सैल मस्ट बी अनपेड मस्ट है पोजिशन अगर अरे पोजिशन होता तो दी नहीं कर लेते ना पोजिशन में नहीं है तभी तो स्टॉपेज इन ट्रांसिट कर रहे हैं गुड ट्रांसिट होना चाहिए सामने एंड एज पर एक्ट आप काम करना चाहिए मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेंस्ट तो आई थिंक ठीक है एक बार आ चुका एग्जाम में प्लीज को भी लो इंपॉर्टेंट आप रीड करें बहुत आसान है ठीक है सूट फॉर प्राइस सूट फॉर डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना सूट फॉर इंटरेस्ट देन वी कम टू रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर सेलर ठीक है ने कुछ गलत काम किया तो बायर क्या कर सकता है सुपर uh, सिंपल एक बार देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन सेल ठीक है डन और कुछ भी नहीं मेरे पास बंद किया भी मैंने। बचा क्या? सिर्फ एल एल पी जो आप बेसिकली इग्नोर कर देते हो कुछ है नहीं से बताने के लिए बिकॉज़ है मुझे ध्यान मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा दो तीन दिन पहले हुआ था उस से आप, आपको एल एल पी में करने एंड इंपॉर्टेंट लास्ट सेक्शन में बता दिया था, जो जो भी हुआ था तो एस एस एल पी में कुछ है नहीं मेरे पास ऑल आई एम गोइंग टू डू नाउ इज टेक योर डाउट्स तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आसमी अगर मैं उसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा मैंने उसको नहीं पढ़ाया है तो मैं अभी पढ़ा दूंगा जैसे मुझे डाउट आया अभी शवन का जैसे डॉक्टर ऑफ इंडो मैनेजमेंट एंड अल्ट्रावायस शवन अभी जो मैं इस पर दिखाता हूँ आपको अभी हमारा जो लेक्चर हुआ था ना एडनोवेट का उसमें हमने इसको कवर किया था आधा घंटा लेकर अच्छे से डीप में तो आपको वहाँ देना पड़ेगा हेमत एल एपी लास्ट क्वेश्चन बता दिया था हमने आपको स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे कि सर इसमें आपका डेजीनेट पार्टनर सेक्शन नंबर सेवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है uh, बाद में सेक्शन नंबर थर्टी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी नाइन इंपॉर्टेंट है लास्ट क्लास आपको देखना पड़ेगा हाँ कल्पना इनफ टाइम हमारे उतना ही है ना अभी सर so, जो अमेंडमेंट्स आए ही नहीं है उसमें से आने के चांसेस हैं क्या नहीं प्रत्यूष पागल है क्या एल एपी टू प्राइवेट कंपनी क्या बताओ एल पी टू प्राइवेट कंपनी क्या बताने हेमंत कुछ भी प्राइवेट कंपनी से एल पी में कन्वर्ट हो सकते हैं उसके लिए वी हैव बेसिकली स्केड्यूल थ्री उसमें क्या बताना है मोहित बोलता है सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन सिक्स का डिफरेंस बोलो अलग नशे कर हैं डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट्स चार कितने मार्क्स पी रियांक अगर चार मार्क का क्वेश्चन है तो मैं मिनिमम चार तो लिख कराता और अगर बुक में चार से ज्यादा पॉइंट्स है तो मैं शायद छह भी लिख करा जाता डिपेंडिंग बुक में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे क्वेश्चन आया है हाँ खुशी आया हुआ है क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है इनकॉर्मेशन कंपनी स्पेशली सेक्शन नंबर सेवन जहां पे आपका स्टेप नंबर वन है कि आप आर को सबमिट करोगे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फिर आर आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थर्ड पॉइंट में लिखा है आर ओ सी आपको इशू करेगा सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर फिर स्टेप नंबर फोर में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फोर मतलब कि परमानेंटली आप प्रिजर्व करके अपने पास वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने आरोपी को सबमिट करे थे फिर एंड इज बेसिकली टॉकिंग आपने कुछ कुछ को छुपाया नहीं बताया, जान के, कुछ, uh, नहीं बताया के सेंड करा तो आपके पास फ्रॉड का सेक्शन फोर फोर्टी सेवन सकता है एंड सेवन पॉइंट इज बेसिकली पावर ऑफ ट्राइब्यूनल आपकी कंपनी को बंद कर सकता है वाइंड अप कर सकता है मेंबर्स की क्लैबिटी अनलिमिटेड कर सकता है वो सब तो हाँ आया हुआ एग्जाम में मोहित दस के मैं देख लेता हूं नेक्स्ट प्रत्यूष सर जो में न्यू अमेंडमेंट है आने के चांसेस हैं क्या प्रतीश बोला ना आ, हमने जो करा दैट इज लेटेस्ट दैट इज फाइनल अब उतना करो इट इज मोर देन गुड एंड टाइम पे वैसे भी कुछ आपको ऐड नहीं करना है अभी व्हाट इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ व्हाट एम अच्छा क्वेश्चन पूछा कृष्ण ने देख भाई आपका बेस्ट आंसर आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए ठीक है आपका जो बेस्ट आंसर है दैट हैज टू बी योर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट आंसर शीट के अंदर आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो आप पहले क्वेश्चन थ्री कर सकते हो फिर फोर कर सकते हो फिर टू कर जो भी आपकी मर्जी है

टाइप्स ऑफ गुड्सन लेक्चर के अंदर ऐसे डाउट्स पूछो जो रिविजन लेक्चर में नहीं हुए तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा जो रिविजन लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल यूट्यूब पर है उसको क्यों डिस्कस करेंगे बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा जस्ट गो टू दट लेक्स ऑफ गुड्सर स्मॉल के फोर फोर्टी फिक्स है ना हाँ फोर करोड्स फोर्टी करोड सर प्लीज एक्सप्लेन वेयर प्रॉफिट इज शेयर एंड दे आर नॉट पार्टनर्स प्रथम क्या बोल रहे हो प्लीज रिपीट स्मॉल कंपनी हाई मंथ स्मॉल कंपनी के टू क्लाउस एटी फाइव की बात कर रहा था मैं सर वो टॉपिक सिखाओ जिसमें प्रॉफिट शेयर करते हैं पर पार्टनर नहीं होते प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर नहीं होते हैं सामने कब डिस्कस किया सर ओपीसी <coughs> में वन टू डेज है रेसिडेंशियल नहीं इट इज वन ट्वेंटी सर इट इज वन ट्वेंटी जल्दी मेरे एंड से सब कुछ हो चुका है आपके एंड से आपको कुछ स्पेशल कुछ पूछना है तो आप उसे पूछ सकते हैं मैं वेट तो कर तो ऑब्वियसली सेशन एंड देंगे बिकॉज आपके पास ऑलरेडी रेडी है आगे के बहुत सारे काम ठीक है तो फाइनल में एक बार बोल रहा हूँ ठीक है मुझे अभी कुछ बताने को लगेगा तो आपको मैसेज सेंड करवा दूंगा डोंट वरी ठीक है मुझे लगेगा इसमें कुछ ऐड करना है या आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो मैं आपको वो मैसेज के सेंड करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर

कल सुबह उठेंगे सर सिक्स थर्टी अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश एकदम रहना स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से प्रेफरेबली एम टी पी आरटीपी पास पेपर्स जितने कर सकते हो उतने और कोई पॉइंट रह जाता है तो आपको फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसका प्रोविजन पढ़ना चाहिए नहीं समझ में आता मुझे डाउट करो हम आपको सॉल्व कर देंगे सिंपल सर स्टेफरिंग प्रोसिक्यूशन बता दो प्लीज एक बार लास्ट टाइम पैसा वैसा देकर केस को सलटाना जैसे सपोज किसी के घर में चोरी हुई आप चोर को पकड़ लिया आप चोर क्या बोलता है प्लीज मेरे खिलाफ आप एफ फाइल मत करो मैं आपको आपका पैसा लौटा देता हूं दिस इज नॉट अलाउड कल मेरे घर में चोरी करी कल किसी और के घर में चोरी करेगा तो स्टिफलिंग और प्रोसिक्यूशन मतलब बेसिकली पैसे की लेन देन करके केस को सलटाना दैट इज नॉट अलाउड हाँ छोटा मोटा कोई केस है तो चलता है बाकी बड़े केस में नहीं चलता सैम इट इज वन ट्वेंटी डेज चिल सर केशड़ी का पीरियर भे, भेज दो खुशी हमने भेजा हुआ है हम वापस एक बार भेज देते हैं ठीक है डोंट वरी टू टैस ऑफ पार्टनरशिप में दो पॉइंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाला प्लीज एक्सप्लेन थ्री पॉइंट फोर पेज ऑफ मॉड्यूल प्रथम आई रिपीट सेल्फ म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप जिससे डिटर्मिन होता है उसके साथ साथ हम बाकी पॉइंट्स भी देखते हैं बट हम सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल uh, एजेंसी है कि नहीं है ड्राइव नहीं बोल सकते ड्राइव uh, कैसे हुआ आप बेसिकली केस को सलटा रहे हो ठीक है केस को सलटा रहे हो दैट इज द पॉइंट इज ठीक है मैं एंड कर रहा हूं सेशन आई गेस सर मुझे ऐसा लगा तो मैं कल वापस से आ जाऊंगा आपके डाउट्स लेने अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाए तो मैं कुछ से मिस आउट हो गया तो मैं सारे चैट बॉक्स वापस से देख लूंगा मुझे लगा तो मैं कल वापस से लाइव आ जाऊंगा ठीक है आप एक घंटे के लिए आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तो डो नॉट वरी अबाउट दैट हम हमारे पॉइंट एंड से आपको पूरा हंड्रेड परसेंट देने की ट्राई कर रहे हैं ठीक है आई कम बैक अगेन टू इफ नीडेड डोंट वरी आधा घंटा तो आधा घंटा आ जाऊंगा एक घंटा तो एक घंटा आ जाऊंगा आपने अभी ये सब छोड़कर से स्टार्ट करना है एंड सबको छोड़ देना है ठीक है आकाश आप ऐसा समझ लो आप दुकान पे गए और आपने बोला कि आपको एक वाटर बॉटल चाहिए जो गर्म पानी को होल्ड कर सके एंड अगर आपको बॉटल दी गई जो गर्म पानी को होल्ड नहीं करती तो क्वालिटी फिटनेस वाला पॉइंट आ जाएगा ठीक है मानसिका मैसेज सर जिसमें पेमेंट किया और रिसीट मिला बट वो इंसान के पास तो वो अथॉरिटी नहीं था तो वो डॉक्टर ऑफ इंडोमनेजमेंट में का एक्सेप्शन नहीं एक्सेप्शन नहीं है अगर मैं कहीं पे गया उसे मुझे लेजिट रिसीट इशू करिए साइन वाइन करके तो कोई सस्पिशन डाउट ही नहीं आता कि ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता तो इट विल नॉट कम अंडर डॉक्टर ऑफ इंटरमेनेजमेंट अ वेरी गुड डाउट फ्रॉम मानसी दोषी ठीक है चलो हम एंड कर रहे हैं यहां पे आपको चाहिए तो वापस से कल आ जाएंगे सर डो नॉट वरी ठीक है आप डाउट में सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हम का लेक्चर भी रख सकते हैं डोंट वरी अबाउट दैट आई uh, थिंक हमने कवर कर लिया दो ढाई घंटे के अंदर मोर देन इनफ ऑलमोस्ट पूरा पूरा सिलेबस कर लिया सर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आप बी uh, से बनना स्टार्ट करो ठीक है लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हम एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो लाइक कर देना बेशर्मा अब तक लाइक नहीं करा तो ऑल द वेरी बेस्ट पेपर ईजी आएगा पेपर बहुत ईजी आएगा क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है ऑल यू नीड इज वो आपको कॉन्फिडेंट मेंटेन करना है नहीं आता फिर भी आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं यार मैं जितना होगा अपना बेस्ट दूंगा दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड आपको अपना बेस्ट देना है मैं आपको लिख के दे सकता हूं ब्लैंक पेपर के ऊपर पेपर विल बी वेरी इजी गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको ऑल यू नीड टू डू इज आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है कि यार मैं जितना भी आता है उतना मैं बेस्ट दूंगा बाकी जो होगा भगवान के ऊपर ठीक है अल्लाह के ऊपर जो भी है विद दैट आई थिंक हम सेशन को एंड कर रहे हैं सर इन फॉर द डे थैंक यू सो मच वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो लाइक like नहीं करा तो मैं से कोई डाउट अगर रह गए होंगे आई गो थ्रू द होल चैट अगेन एंड आपको मैं आंसर भिजवा दूंगा ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट पीडीएफ वीडियो हम शेयर कर चुके हैं वापस एक बार शेयर करवा देंगे ठीक है चलो वी आर एंडिंग सेशन हियर बाय 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस थैंक यू मैसेज वैसेज मत पढ़ना हैप्पी न्यू ईयर के किसी को रिप्लाई भी मत करना पढ़ना खुद पे फोकस करना खुद पे इन्वेस्टमेंट करना दिस इन्वेस्टमेंट नॉट टाइम वेस्ट ठीक है चलो मैं एंड कर रहा हूँ बाय 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 वी आर एंडिंग ओवर हियर हाँ खुशी हम आपस पीडीएफ को सेंड करवाने का ट्राई करेंगे ठीक है आप ग्रुप में होंगे ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ संदीप थैंक यू सो मच चलो बाय एंड कर रहे हैं कैन लीव नाउ डेफिनेटली you <laughs>